बिफोर वी गेट मैरिड, एक 2019 में बनी हुई ताइवान टेलीविजन सीरीज है जिसको क्रिएट और प्रोड्यूस किया था गाला टेलीविजन ने और जेसन्स एंटरटेनमेंट ने। इस सीरीज को मैरिज बिफोर लव नाम से भी जाना जाता है। ये स्टोरी जो है बिफोर वी गेट मैरिड नोवेल के ऊपर बेस्ड है जिसकी स्क्रीन राइटिंग फैन यूंग साई ने की है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जूम हुई हुई एक सीरियस रिलेशनशिप में आ जाती है अपने एवरेज बॉयफ्रेंड ली हाउई के साथ, जो कि उसी के साथ उस कंपनी में काम करता है। मतलब वो कली होते हैं, रिलेशनशिप में होते हैं, फिर वो उस रिलेशनशिप में सीरियस हो जाते हैं। तो जो हाउई है वो अपनी जिंदगी की स्ट्रिक्ट प्लानिंग करती है और भाई उसको फॉलो करता है। और दूसरी तरफ जो कैनवान जो है वो एक कैपेबल टैलेंटेड स्टॉक ट्रेडर है और वो सीईओ है सिक्योरिटीज कंपनी का। तो वो जो है खुश नहीं है बिल्कुल भी काउ ज्ञान के साथ अपने रिलेशनशिप से, 10 साल के रिलेशनशिप में वो खुश नहीं है, जो कि बहुत सुंदर महिला है और अपनी जिंदगी उसके लिए बिता रही है, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग सा है। इसके एंड में होता है कि वैवी और केवान जो है वो अपनी पोजीशन से रिजाइन कर देते हैं। तो वैवी डिसाइड करती है कि वो खुद को डिस्कवर करेगी रिलेशनशिप स्टार्ट करने से पहले। केवान जो है उसका वेट करने के लिए तैयार हो जाता है और फिर एंड में वो अपने दोस्त की शादी में चले जाते हैं और वहाँ वो डेट पे जाते हैं। बिफोर वी गेट मैरिड, एक 2019 में बनी हुई ताइवान टेलीविजन सीरीज है जिसको क्रिएट और प्रोड्यूस किया था गाला टेलीविजन ने और जेसन्स एंटरटेनमेंट ने। इस सीरीज को मैरिज बिफोर लव नाम से भी जाना जाता है। ये स्टोरी जो है बिफोर वी गेट मैरिड नोवेल के ऊपर बेस्ड है जिसकी स्क्रीन राइटिंग फैन यूंग साई ने की है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जूम हुई हुई एक सीरियस रिलेशनशिप में आ जाती है अपने एवरेज बॉयफ्रेंड ली हाउई के साथ, जो कि उसी के साथ उस कंपनी में काम करता है। मतलब वो कली होते हैं, रिलेशनशिप में होते हैं, फिर वो उस रिलेशनशिप में सीरियस हो जाते हैं। तो जो हाउई है वो अपनी जिंदगी की स्ट्रिक्ट प्लानिंग करती है और भाई उसको फॉलो करता है। और दूसरी तरफ जो कैनवान जो है वो एक कैपेबल टैलेंटेड स्टॉक ट्रेडर है और वो सीईओ है सिक्योरिटीज कंपनी का। तो वो जो है खुश नहीं है बिल्कुल भी काउ ज्ञान के साथ अपने रिलेशनशिप से, 10 साल के रिलेशनशिप में वो खुश नहीं है, जो कि बहुत सुंदर महिला है और अपनी जिंदगी उसके लिए बिता रही है, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग सा है। इसके एंड में होता है कि वैवी और केवान जो है वो अपनी पोजीशन से रिजाइन कर देते हैं। तो वैवी डिसाइड करती है कि वो खुद को डिस्कवर करेगी रिलेशनशिप स्टार्ट करने से पहले। केवान जो है उसका वेट करने के लिए तैयार हो जाता है और फिर एंड में वो अपने दोस्त की शादी में चले जाते हैं और वहाँ वो डेट पे जाते हैं। बिफोर वी गेट मैरिड, एक 2019 में बनी हुई ताइवान टेलीविजन सीरीज है जिसको क्रिएट और प्रोड्यूस किया था गाला टेलीविजन ने और जेसन्स एंटरटेनमेंट ने। इस सीरीज को मैरिज बिफोर लव नाम से भी जाना जाता है। ये स्टोरी जो है बिफोर वी गेट मैरिड नोवेल के ऊपर बेस्ड है जिसकी स्क्रीन राइटिंग फैन यूंग साई ने की है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जूम हुई हुई एक सीरियस रिलेशनशिप में आ जाती है अपने एवरेज बॉयफ्रेंड ली हाउई के साथ, जो कि उसी के साथ उस कंपनी में काम करता है। मतलब वो कली होते हैं, रिलेशनशिप में होते हैं, फिर वो उस रिलेशनशिप
सो जाते हैं तो जो हाउई है वो अपनी जिंदगी की स्ट्रिक्ट प्लानिंग करती है और वाई वाई उसको फॉलो करता है। और दूसरी तरफ जो कैनवान जो है वो एक कैपेबल टैलेंटेड स्टॉक ट्रेडर है और वो सीईओ है सिक्योरिटीज कंपनी का। तो वो जो है खुश नहीं है बिल्कुल भी काउ ज्ञान के साथ अपने रिलेशनशिप से, 10 साल के रिलेशनशिप में वो खुश नहीं है, जो कि बहुत सुंदर महिला है और अपनी जिंदगी उसके लिए बिता रही है, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग सा है। इसके एंड में होता है कि वही वही और कैनवान जो है वो अपनी पोजीशन से रिजाइन कर देते हैं। तो वही वही डिसाइड करती है कि वो खुद को डिस्कवर करेगी रिलेशनशिप स्टार्ट करने से पहले। कैनवान जो है उसका वेट करने के लिए तैयार हो जाता है और फिर एंड में वो अपने दोस्त की शादी में चले जाते हैं और वहाँ वो डेट पे जाते हैं। बिफोर वी गेट मैरिड, एक 2019 में बनी हुई ताइवान टेलीविजन सीरीज है जिसको क्रिएट और प्रोड्यूस किया था गाला टेलीविजन ने और जेसन्स एंटरटेनमेंट ने। इस सीरीज को मैरिज बिफोर लव नाम से भी जाना जाता है। ये स्टोरी जो है बिफोर वी गेट मैरिड नोवेल के ऊपर बेस्ड है जिसकी स्क्रीन राइटिंग फान युंग साई ने की है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जूम हुई हुई एक सीरियस रिलेशनशिप में आ जाती है अपने एवरेज बॉयफ्रेंड ली हाउई के साथ, जो कि उसी के साथ उस कंपनी में काम करता है। मतलब वो कलीग होते हैं और रिलेशनशिप में होते हैं, फिर वो उस रिलेशनशिप में सीरियस हो जाते हैं। तो जो हाउई है वो अपनी जिंदगी स्ट्रिक्ट प्लानिंग करती है और वाई वाई उसको फॉलो करता है। और दूसरी तरफ जो कैनवान जो है वो एक कैपेबल टैलेंटेड स्टॉक ट्रेडर है और वो सीईओ है सिक्योरिटीज कंपनी का। तो वो जो है खुश नहीं है बिल्कुल भी काउ ज्ञान के साथ अपने रिलेशनशिप से, 10 साल के रिलेशनशिप। एक 2019 में बनी हुई ताइवान टेलीविजन सीरीज है जिसको क्रिएट और प्रोड्यूस किया था गाला टेलीविजन ने और जेसन्स एंटरटेनमेंट ने। इस सीरीज को मैरिज बिफोर लव नाम से भी जाना जाता है। ये स्टोरी जो है बिफोर वी गेट मैरिड नोवेल के ऊपर बेस्ड है जिसकी स्क्रीन राइटिंग फान युंग साई ने की है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जूम हुई हुई एक सीरियस रिलेशनशिप में आ जाती है अपने एवरेज बॉयफ्रेंड ली हाउई के साथ, जो कि उसी के साथ उस कंपनी में काम करता है। मतलब वो कलीग होते हैं और रिलेशनशिप में होते हैं, फिर वो उस रिलेशनशिप में सीरियस हो जाते हैं। तो जो हाउई है वो अपनी जिंदगी स्ट्रिक्ट प्लानिंग करती है और वाई वाई उसको फॉलो करता है। और दूसरी तरफ जो कैनवान जो है वो एक कैपेबल टैलेंटेड स्टॉक ट्रेडर है और वो सीईओ है सिक्योरिटीज कंपनी का। तो वो जो है खुश नहीं है बिल्कुल भी काउ ज्ञान के साथ अपने रिलेशनशिप से, 10 साल के रिलेशनशिप में वो खुश नहीं है, जो कि बहुत सुंदर महिला है और अपनी जिंदगी उसके लिए बिता रही है, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग सा है। इसके एंड में होता है कि वही वही और कैनवान जो है वो अपनी पोजीशन से रिजाइन कर देते हैं। तो वही वही डिसाइड करती है कि वो खुद को डिस्कवर करेगी रिलेशनशिप स्टार्ट करने से पहले। कैनवान जो है उसका वेट करने के लिए तैयार हो जाता है और फिर एंड में वो अपने दोस्त की शादी में चले जाते हैं और वहाँ वो डेट पे जाते हैं। बिफोर वी गेट मैरिड, एक 2019 में बनी हुई ताइवान टेलीविजन सीरीज है जिसको क्रिएट और प्रोड्यूस किया था गाला टेलीविजन ने और जेसन्स एंटरटेनमेंट ने। इस सीरीज को मैरिज बिफोर लव नाम से भी जाना जाता है।
ये स्टोरी जो है बिफोर वी गेट मैरिड नोवेल के ऊपर बेस्ड है, जिसकी स्क्रीन राइटिंग फैन यूंग साई ने की है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जूम वी वी एक सीरियस रिलेशनशिप में आ जाता है, आ जाती है अपने एवरेज बॉयफ्रेंड ली हाउई के साथ, जो कि उसी के साथ उस कंपनी में काम करता है। मतलब वो क्लीग होते हैं, रिलेशनशिप में होते हैं, फिर वो उस रिलेशनशिप में सीरियस हो जाते हैं। तो जो हाउई है वो अपनी जिंदगी की स्ट्रिक्ट प्लानिंग करती है और भाई भाई उसको फॉलो करता है। और दूसरी तरफ जो कैनवान जो है वो एक कैपेबल टैलेंटेड ऑपरेटर है और वो सीईओ है सिक्योरिटीज कंपनी का। तो वो जो है खुश नहीं है बिल्कुल भी काउ ज्ञान के साथ अपने रिलेशनशिप से, 10 साल के रिलेशनशिप में वो खुश नहीं है, जो कि एक बहुत सुंदर महिला है और अपनी जिंदगी उसके लिए बिता रही है, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग सा है। इसके एंड में ये होता है कि वही वही और कैनवान जो है वो अपनी पोजीशन से रिजाइन कर देते हैं। तो वही वही डिसाइड करती है कि वो खुद को डिस्कवर करेगी रिलेशनशिप स्टार्ट करने से पहले। कैनवान जो है उसका वेट करने के लिए तैयार हो जाता है और फिर एंड में वो अपने दोस्त की शादी में चले जाते हैं और वहाँ वो डेट पे जाते हैं। बिफोर वी गेट मैरिड एक 2019 में बनी हुई ताइवान टेलीविजन सीरीज है, जिसको क्रिएट और प्रोड्यूस किया था गाला टेलीविजन ने और जेसन्स एंटरटेनमेंट ने। इस सीरीज को मैरिज बिफोर लव नाम से भी जाना जाता है। ये स्टोरी जो है बिफोर वी गेट मैरिड नोवेल के ऊपर बेस्ड है, जिसकी स्क्रीन राइटिंग फैन यूंग साई ने की है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जूम वी वी एक सीरियस रिलेशनशिप में आ जाता है, आ जाती है अपने एवरेज बॉयफ्रेंड ली हाउई के साथ, जो कि उसी के साथ उस कंपनी में काम करता है। मतलब वो क्लीग होते हैं, रिलेशनशिप में होते हैं, फिर वो उस रिलेशनशिप में सीरियस हो जाते हैं। तो जो हाउई है वो अपनी जिंदगी की स्ट्रिक्ट प्लानिंग करती है और भाई भाई उसको फॉलो करता है। और दूसरी तरफ जो कैनवान जो है वो एक कैपेबल टैलेंटेड ऑपरेटर है और वो सीईओ है सिक्योरिटीज कंपनी का। तो वो जो है खुश नहीं है बिल्कुल भी काउ ज्ञान के साथ अपने रिलेशनशिप से, 10 साल के रिलेशनशिप में वो खुश नहीं है, जो कि एक बहुत सुंदर महिला है और अपनी जिंदगी उसके लिए बिता रही है, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग सा है। इसके एंड में ये होता है कि वही वही और कैनवान जो है वो अपनी पोजीशन से रिजाइन कर देते हैं। तो वही वही डिसाइड करती है कि वो खुद को डिस्कवर करेगी रिलेशनशिप स्टार्ट करने से पहले। कैनवान जो है उसका वेट करने के लिए तैयार हो जाता है और फिर एंड में वो अपने दोस्त की शादी में चले जाते हैं और वहाँ वो डेट पे जाते हैं। बिफोर वी गेट मैरिड एक 2019 में बनी हुई ताइवान टेलीविजन सीरीज है, जिसको क्रिएट और प्रोड्यूस किया था गाला टेलीविजन ने और जेसन्स एंटरटेनमेंट ने। इस सीरीज को मैरिज बिफोर लव नाम से भी जाना जाता है। ये स्टोरी जो है बिफोर वी गेट मैरिड नोवेल के ऊपर बेस्ड है, जिसकी स्क्रीन राइटिंग फैन यूंग साई ने की है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जूम वी वी एक सीरियस रिलेशनशिप में आ जाता है, आ जाती है अपने एवरेज बॉयफ्रेंड ली हाउई के साथ, जो कि उसी के साथ उस कंपनी में काम करता है। मतलब वो क्लीग होते हैं, रिलेशनशिप में होते हैं, फिर वो उस रिलेशनशिप में सीरियस हो जाते हैं। तो जो हाउई है वो अपनी जिंदगी की स्ट्रिक्ट प्लानिंग करती है और भाई भाई उसको फॉलो करता है। और दूसरी तरफ जो कैनवान जो है वो एक कैपेबल टैलेंटेड ऑपरेटर है और वो सीईओ है सिक्योरिटीज कंपनी का। तो वो
जो है खुश नहीं है बिल्कुल भी। कब ज्ञान के साथ अपने रिलेशनशिप से 10 साल के रिलेटेड एक 2019 में बनी हुई ताइवान टेलीविजन सीरीज है जिसको क्रिएट और प्रोड्यूस किया था गाला टेलीविजन ने और जेसन्स एंटरटेनमेंट ने। इस सीरीज को मैरिज बिफोर लव नाम से भी जाना जाता है। ये स्टोरी जो है बिफोर वी गेट मैरिड नोवेल के ऊपर बेस्ड है जिसकी स्क्रीन राइटिंग फैन यूंग साई ने की है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जूम वी वी एक सीरियस रिलेशनशिप में आ जाता है, आ जाती है अपने एवरेज बॉयफ्रेंड ली हाउई के साथ जो कि उसी के साथ उस कंपनी में काम करता है। मतलब वो कली होते हैं और रिलेशनशिप में होते हैं, फिर वो उस रिलेशनशिप में सीरियस हो जाते हैं। तो जो हाउई है वो अपनी जिंदगी की स्ट्रिक्ट प्लानिंग करती है और भाई भाई उसको फॉलो करता है। और दूसरी तरफ जो कैनवान जो है वो एक कैपेबल टैलेंटेड ऑपरेटर है और वो सीईओ है सिक्योरिटीज कंपनी का। तो वो जो है खुश नहीं है बिल्कुल भी काउ ज्ञान के साथ अपने रिलेशनशिप से, 10 साल के रिलेशनशिप में वो खुश नहीं है जो कि एक बहुत सुंदर महिला है और अपनी जिंदगी उसके लिए बिता रही है लेकिन फिर भी वो खुश नहीं है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग सा है। इसके एंड में होता है कि वही वे और केवान जो है वो अपनी पोजीशन से रिजाइन कर देते हैं। तो वही वे डिसाइड करती है कि वो खुद को डिस्कवर करेगी रिलेशनशिप स्टार्ट करने से पहले। केवान जो है उसका वेट करने के लिए तैयार हो जाता है और फिर एंड में वो अपने दोस्त की शादी में चले जाते हैं और वहाँ वो डेट पे जाते हैं। बिफोर वी गेट मैरिड एक 2019 में बनी हुई ताइवान टेलीविजन सीरीज है जिसको क्रिएट और प्रोड्यूस किया था गाला टेलीविजन ने और जेसन्स एंटरटेनमेंट ने। इस सीरीज को मैरिज बिफोर लव नाम से भी जाना जाता है। ये स्टोरी जो है बिफोर वी गेट मैरिड नोवेल के ऊपर बेस्ड है जिसकी स्क्रीन राइटिंग फैन यूंग साई ने की है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जूम वी वी एक सीरियस रिलेशनशिप में आ जाता है, आ जाती है अपने एवरेज बॉयफ्रेंड ली हाउई के साथ जो कि उसी के साथ उस कंपनी में काम करता है। मतलब वो कली होते हैं और रिलेशनशिप में होते हैं, फिर वो उस रिलेशनशिप में सीरियस हो जाते हैं। तो जो हाउई है वो अपनी जिंदगी की स्ट्रिक्ट प्लानिंग करती है और भाई भाई उसको फॉलो करता है। और दूसरी तरफ जो कैनवान जो है वो एक कैपेबल टैलेंटेड ऑपरेटर है और वो सीईओ है सिक्योरिटीज कंपनी का। तो वो जो है खुश नहीं है बिल्कुल भी काउ ज्ञान के साथ अपने रिलेशनशिप से, 10 साल के रिलेशनशिप में वो खुश नहीं है जो कि एक बहुत सुंदर महिला है और अपनी जिंदगी उसके लिए बिता रही है लेकिन फिर भी वो खुश नहीं है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग सा है। इसके एंड में होता है कि वही वे और केवान जो है वो अपनी पोजीशन से रिजाइन कर देते हैं। तो वही वे डिसाइड करती है कि वो खुद को डिस्कवर करेगी रिलेशनशिप स्टार्ट करने से पहले। केवान जो है उसका वेट करने के लिए तैयार हो जाता है और फिर एंड में वो अपने दोस्त की शादी में चले जाते हैं और वहाँ वो डेट पे जाते हैं। बिफोर वी गेट मैरिड एक 2019 में बनी हुई ताइवान टेलीविजन सीरीज है जिसको क्रिएट और प्रोड्यूस किया था गाला टेलीविजन ने और जेसन्स एंटरटेनमेंट ने। इस सीरीज को मैरिज बिफोर लव नाम से भी जाना जाता है। ये स्टोरी जो है बिफोर वी गेट मैरिड नोवेल के ऊपर बेस्ड है जिसकी स्क्रीन राइटिंग फैन यूंग साई ने की है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जूम वी वी एक सीरियस रिलेशनशिप में आ जाता है, आ जाती है अपने एवरेज बॉयफ्रेंड ली हाउई के साथ जो कि
उसी के साथ उस कंपनी में काम करता है, मतलब वो कलीग होते हैं और रिलेशनशिप में होते हैं, फिर वो उस रिलेशनशिप में सीरियस हो जाते हैं। तो जो हाउई है वो अपनी जिंदगी की स्ट्रिक्ट प्लानिंग करती है और भाई भाई उसको फॉलो करता है। और दूसरी तरफ जो कैनवान जो है वो एक कैपेबल टैलेंटेड ऑपरेटर है और वो सीईओ है सिक्योरिटीज कंपनी का। तो वो जो है खुश नहीं है बिल्कुल भी काउ ज्ञान के साथ, अपने रिलेशनशिप से, 10 साल के रिलेशनशिप में वो खुश नहीं है, जो कि एक बहुत सुंदर महिला है और अपनी जिंदगी उसके लिए बिता रही है, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग सा है। इसके एंड में ये होता है कि वही वही और केवान जो है वो अपनी पोजीशन से रिजाइन कर देते हैं। तो वही वही डिसाइड करती है कि वो खुद को डिस्कवर करेगी रिलेशनशिप स्टार्ट करने से पहले। केवान जो है उसका वेट करने के लिए तैयार हो जाता है और फिर एंड में वो अपने दोस्त की शादी में चले जाते हैं और वहाँ वो डेट पे जाते हैं। बिफोर वी गेट मैरिड एक 2019 में बनी हुई ताइवान टेलीविजन सीरीज है जिसको क्रिएट और प्रोड्यूस किया था गाला टेलीविजन ने और जेसन्स एंटरटेनमेंट ने। इस सीरीज को मैरिज बिफोर लव नाम से भी जाना जाता है। ये स्टोरी जो है बिफोर वी गेट मैरिड नोवेल के ऊपर बेस्ड है जिसकी स्क्रीन राइटिंग फान युंग साई ने की है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जूम भी हुई एक सीरियस रिलेशनशिप में आ जाता है, आ जाती है अपने एवरेज बॉयफ्रेंड ली हाउई के साथ, जो कि उसी के साथ उस कंपनी में काम करता है, मतलब वो कलीग होते हैं और रिलेशनशिप में होते हैं, फिर वो उस रिलेशनशिप में सीरियस हो जाते हैं। तो जो हाउई है वो अपनी जिंदगी की स्ट्रिक्ट प्लानिंग करती है और भाई भाई उसको फॉलो करता है। और दूसरी तरफ जो कैनवान जो है वो एक कैपेबल टैलेंटेड ऑपरेटर है और वो सीईओ है सिक्योरिटीज कंपनी का। तो वो जो है खुश नहीं है बिल्कुल भी काउ ज्ञान के साथ, अपने रिलेशनशिप से, 10 साल के रिलेशन 2019 में बनी हुई ताइवान टेलीविजन सीरीज है जिसको क्रिएट और प्रोड्यूस किया था गाला टेलीविजन ने और जेसन्स एंटरटेनमेंट ने। इस सीरीज को मैरिज बिफोर लव नाम से भी जाना जाता है। ये स्टोरी जो है बिफोर वी गेट मैरिड नोवेल के ऊपर बेस्ड है जिसकी स्क्रीन राइटिंग फान युंग साई ने की है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जूम भी हुई एक सीरियस रिलेशनशिप में आ जाता है, आ जाती है अपने एवरेज बॉयफ्रेंड ली हाउई के साथ, जो कि उसी के साथ उस कंपनी में काम करता है, मतलब वो कलीग होते हैं और रिलेशनशिप में होते हैं, फिर वो उस रिलेशनशिप में सीरियस हो जाते हैं। तो जो हाउई है वो अपनी जिंदगी की स्ट्रिक्ट प्लानिंग करती है और भाई भाई उसको फॉलो करता है। और दूसरी तरफ जो कैनवान जो है वो एक कैपेबल टैलेंटेड ऑपरेटर है और वो सीईओ है सिक्योरिटीज कंपनी का। तो वो जो है खुश नहीं है बिल्कुल भी काउ ज्ञान के साथ, अपने रिलेशनशिप से, 10 साल के रिलेशनशिप में वो खुश नहीं है, जो कि एक बहुत सुंदर महिला है और अपनी जिंदगी उसके लिए बिता रही है, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग सा है। इसके एंड में ये होता है कि वही वही और केवान जो है वो अपनी पोजीशन से रिजाइन कर देते हैं। तो वही वही डिसाइड करती है कि वो खुद को डिस्कवर करेगी रिलेशनशिप स्टार्ट करने से पहले। केवान जो है उसका वेट करने के लिए तैयार हो जाता है और फिर एंड में वो अपने दोस्त की शादी में चले जाते हैं और वहाँ वो डेट पे जाते हैं। बिफोर वी गेट मैरिड एक 2019 में बनी हुई ताइवान टेलीविजन सीरीज है जिसको क्रिएट और प्रोड्यूस किया था गाला टेलीविजन ने और जेसन्स एंटरटेनमेंट ने।
इसको मैरिज बिफोर लव नाम से भी जाना जाता है। ये स्टोरी जो है बिफोर वी गेट मैरिड नोवेल के ऊपर बेस्ड है, जिसकी स्क्रीन राइटिंग फैन यूंग साई ने की है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जूम हुई हुई एक सीरियस रिलेशनशिप में आ जाता है, आ जाती है अपने एवरेज बॉयफ्रेंड ली हाउई के साथ, जो कि उसी के साथ उस कंपनी में काम करता है। मतलब वो क्लीग होते हैं, रिलेशनशिप में होते हैं, फिर वो उस रिलेशनशिप में सीरियस हो जाते हैं। तो जो हाउई है वो अपनी जिंदगी की स्ट्रिक्ट प्लानिंग करती है और भाई भाई उसको फॉलो करता है। और दूसरी तरफ जो कैनवान जो है वो एक कैपेबल टैलेंटेड स्टॉक ट्रेडर है और वो सीईओ है सिक्योरिटीज कंपनी का। तो वो जो है खुश नहीं है बिल्कुल भी काउ ज्ञान के साथ अपने रिलेशनशिप से, 10 साल के रिलेशनशिप में वो खुश नहीं है, जो कि बहुत सुंदर महिला है और अपनी जिंदगी उसके लिए बिता रही है, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग सा है। इसके एंड में क्या होता है कि वही वे और कैनवान जो है वो अपनी पोजीशन से रिजाइन कर देते हैं। तो वही वे डिसाइड करती है कि वो खुद को डिस्कवर करेगी रिलेशनशिप स्टार्ट करने से पहले। कैनवान जो है उसका वेट करने के लिए तैयार हो जाता है और फिर एंड में वो अपने दोस्त की शादी में चले जाते हैं और वहाँ वो डेट पे जाते हैं। बिफोर वी गेट मैरिड एक 2019 में बनी हुई ताइवान टेलीविजन सीरीज है, जिसको क्रिएट और प्रोड्यूस किया था गाला टेलीविजन ने और जेसन्स एंटरटेनमेंट ने। इस सीरीज को मैरिज बिफोर लव नाम से भी जाना जाता है। ये स्टोरी जो है बिफोर वी गेट मैरिड नोवेल के ऊपर बेस्ड है, जिसकी स्क्रीन राइटिंग फैन यूंग साई ने की है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जूम हुई हुई एक सीरियस रिलेशनशिप में आ जाता है, आ जाती है अपने एवरेज बॉयफ्रेंड ली हाउई के साथ, जो कि उसी के साथ उस कंपनी में काम करता है। मतलब वो क्लीग होते हैं, रिलेशनशिप में होते हैं, फिर वो उस रिलेशनशिप में सीरियस हो जाते हैं। तो जो हाउई है वो अपनी जिंदगी की स्ट्रिक्ट प्लानिंग करती है और भाई भाई उसको फॉलो करता है। और दूसरी तरफ एक 2019 में बनी हुई ताइवान टेलीविजन सीरीज है, जिसको क्रिएट और प्रोड्यूस किया था गाला टेलीविजन ने और जेसन्स एंटरटेनमेंट ने। इस सीरीज को मैरिज बिफोर लव नाम से भी जाना जाता है। ये स्टोरी जो है बिफोर वी गेट मैरिड नोवेल के ऊपर बेस्ड है, जिसकी स्क्रीन राइटिंग फैन यूंग साई ने की है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जूम हुई हुई एक सीरियस रिलेशनशिप में आ जाती है अपने एवरेज बॉयफ्रेंड ली हाउई के साथ, जो कि उसी के साथ उस कंपनी में काम करता है। मतलब वो क्लीग होते हैं, रिलेशनशिप में होते हैं, फिर वो उस रिलेशनशिप में सीरियस हो जाते हैं। तो जो हाउई है वो अपनी जिंदगी की स्ट्रिक्ट प्लानिंग करती है और भाई भाई उसको फॉलो करता है। और दूसरी तरफ जो कैनवान जो है वो एक कैपेबल टैलेंटेड स्टॉक ट्रेडर है और वो सीईओ है सिक्योरिटीज कंपनी का। तो वो जो है खुश नहीं है बिल्कुल भी काउ ज्ञान के साथ अपने रिलेशनशिप से, 10 साल के रिलेशनशिप में वो खुश नहीं है, जो कि बहुत सुंदर महिला है और अपनी जिंदगी उसके लिए बिता रही है, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग सा है। इसके एंड में क्या होता है कि वही वे और कैनवान जो है वो अपनी पोजीशन से रिजाइन कर देते हैं। तो वही वे डिसाइड करती है कि वो खुद को डिस्कवर करेगी रिलेशनशिप स्टार्ट करने से पहले। कैनवान जो है उसका वेट करने के लिए तैयार हो जाता है और फिर एंड में वो अपने दोस्त की शादी में चले जाते हैं और वहाँ वो डेट पे जाते हैं। बिफोर वी गेट मैरिड एक 2019 में बनी हुई
ताइवान टेलीविजन सीरीज है जिसको क्रिएट और प्रोड्यूस किया था गाला टेलीविजन ने और जेसन्स एंटरटेनमेंट ने। इस सीरीज को मैरिज बिफोर लव नाम से भी जाना जाता है। ये स्टोरी जो है बिफोर वी गेट मैरिड नोवेल के ऊपर बेस्ड है जिसकी स्क्रीन राइटिंग फैन यूंग साई ने की है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जूम हुई हुई एक सीरियस रिलेशनशिप में आ जाती है अपने एवरेज बॉयफ्रेंड ली हाउई के साथ, जो कि उसी के साथ उस कंपनी में काम करता है। मतलब वो क्लीग होते हैं, रिलेशनशिप में होते हैं, फिर वो उस रिलेशनशिप में सीरियस हो जाते हैं। तो जो हाउई है वो अपनी जिंदगी की स्ट्रिक्ट प्लानिंग करती है और भाई भाई उसको फॉलो करता है। और दूसरी तरफ जो कैनवान जो है वो एक कैपेबल टैलेंटेड ऑपरेटर है और वो सीईओ है सिक्योरिटीज कंपनी का। तो वो जो है खुश नहीं है बिल्कुल भी गाओ ज्ञान के साथ अपने रिलेशनशिप से, 10 साल के रिलेशनशिप में वो खुश नहीं है, जो कि एक बहुत सुंदर महिला है और अपनी जिंदगी उसके लिए बिता रही है, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग सा है। इसके एंड में होता है कि वही वे और कैनवान जो है वो अपनी पोजीशन से रिजाइन कर देते हैं। तो वही वे डिसाइड करती है कि वो खुद को डिस्कवर करेगी रिलेशनशिप स्टार्ट करने से पहले। कैनवान जो है उसका वेट करने के लिए तैयार हो जाता है और फिर एंड में वो अपने दोस्त की शादी में चले जाते हैं और वहाँ वो डेट पे जाते हैं। बिफोर वी गेट मैरिड एक 2019 में बनी हुई ताइवान टेलीविजन सीरीज है जिसको क्रिएट और प्रोड्यूस किया था गाला टेलीविजन ने और जेसन्स एंटरटेनमेंट ने। इस सीरीज को मैरिज बिफोर लव नाम से भी जाना जाता है। ये स्टोरी जो है बिफोर वी गेट मैरिड नोवेल के ऊपर बेस्ड है जिसकी स्क्रीन राइटिंग फैन यूंग साई ने की है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जूम हुई हुई एक सीरियस रिलेशनशिप में आ जाती है अपने एवरेज बॉयफ्रेंड ली हाउई के साथ, जो कि उसी के साथ उस कंपनी में काम करता है। मतलब वो क्लीग होते हैं, रिलेशनशिप में होते हैं, फिर वो उस रिलेशनशिप में सीरियस हो जाते हैं। तो जो हाउई है वो अपनी जिंदगी की स्ट्रिक्ट प्लानिंग करती है और भाई भाई उसको फॉलो करता है। और दूसरी तरफ जो कैनवान जो है वो एक कैपेबल टैलेंटेड ऑपरेटर है और वो सीईओ है सिक्योरिटीज कंपनी का। तो वो जो है खुश नहीं है बिल्कुल भी गाओ ज्ञान के साथ अपने रिलेशनशिप से, 10 साल के रिलेशनशिप में वो खुश नहीं है, जो कि एक बहुत सुंदर महिला है और अपनी जिंदगी उसके लिए बिता रही है, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग सा है। इसके एंड में होता है कि वही वे और कैनवान जो है वो अपनी पोजीशन से रिजाइन कर देते हैं। तो वही वे डिसाइड करती है कि वो खुद को डिस्कवर करेगी रिलेशनशिप स्टार्ट करने से पहले। कैनवान जो है उसका वेट करने के लिए तैयार हो जाता है और फिर एंड में वो अपने दोस्त की शादी में चले जाते हैं और वहाँ वो डेट पे जाते हैं। बिफोर वी गेट मैरिड एक 2019 में बनी हुई ताइवान टेलीविजन सीरीज है जिसको क्रिएट और प्रोड्यूस किया था गाला टेलीविजन ने और जेसन्स एंटरटेनमेंट ने। इस सीरीज को मैरिज बिफोर लव नाम से भी जाना जाता है। ये स्टोरी जो है बिफोर वी गेट मैरिड नोवेल के ऊपर बेस्ड है जिसकी स्क्रीन राइटिंग फैन यूंग साई ने की है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जूम हुई हुई एक सीरियस रिलेशनशिप में आ जाती है अपने एवरेज बॉयफ्रेंड ली हाउई के साथ, जो कि उसी के साथ उस कंपनी में काम करता है। मतलब वो क्लीग होते हैं, रिलेशनशिप में होते हैं, फिर वो उस रिलेशनशिप में सीरियस हो जाते हैं। तो जो हाउई है वो
अपनी जिंदगी की स्ट्रिक्ट प्लानिंग करती है और भाई भाई उसको फॉलो करता है, और दूसरी तरफ जो कैनवान जो है वो एक कैपेबल टैलेंटेड ऑपरेटर है और वो सीईओ है सिक्योरिटीज कंपनी का। तो वो जो है खुश नहीं है बिल्कुल भी काउ ज्ञान के साथ अपने रिलेशनशिप से। 10 साल के रिलेशनशिप 2019 में बनी हुई ताइवान टेलीविजन सीरीज है जिसको क्रिएट और प्रोड्यूस किया था गाला टेलीविजन ने और जेसन्स एंटरटेनमेंट ने। इस सीरीज को मैरिज बिफोर लव नाम से भी जाना जाता है। ये स्टोरी जो है बिफोर वी गेट मैरिड नोवेल के ऊपर बेस्ड है जिसकी स्क्रीन राइटिंग फैन यूंग साई ने की है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जूम हुई हुई एक सीरियस रिलेशनशिप में आ जाता है, आ जाती है अपने एवरेज बॉयफ्रेंड ली हाउई के साथ, जो कि उसी के साथ उस कंपनी में काम करता है। मतलब वो क्लीग होते हैं, रिलेशनशिप में होते हैं, फिर वो उस रिलेशनशिप में सीरियस हो जाते हैं। तो जो हाउई है वो अपनी जिंदगी की स्ट्रिक्ट प्लानिंग करती है और भाई भाई उसको फॉलो करता है, और दूसरी तरफ जो कैनवान जो है वो एक कैपेबल टैलेंटेड ऑपरेटर है और वो सीईओ है सिक्योरिटीज कंपनी का। तो वो जो है खुश नहीं है बिल्कुल भी काउ ज्ञान के साथ अपने रिलेशनशिप से। 10 साल के रिलेशनशिप में वो खुश नहीं है, जो कि बहुत सुंदर महिला है और अपनी जिंदगी उसके लिए बिता रही है, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग सा है। इसके एंड में होता है कि वही भी और केवान जो है वो अपनी पोजीशन से रिजाइन कर देते हैं। तो वही भी डिसाइड करती है कि वो खुद को डिस्कवर करेगी रिलेशनशिप स्टार्ट करने से पहले। केवान जो है उसका वेट करने के लिए तैयार हो जाता है और फिर एंड में वो अपने दोस्त की शादी में चले जाते हैं और वहाँ वो डेट पे जाते हैं। बिफोर वी गेट मैरिड एक 2019 में बनी हुई ताइवान टेलीविजन सीरीज है जिसको क्रिएट और प्रोड्यूस किया था गाला टेलीविजन ने और जेसन्स एंटरटेनमेंट ने। इस सीरीज को मैरिज बिफोर लव नाम से भी जाना जाता है। ये स्टोरी जो है बिफोर वी गेट मैरिड नोवेल के ऊपर बेस्ड है जिसकी स्क्रीन राइटिंग फैन यूंग साई ने की है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जूम हुई हुई एक सीरियस रिलेशनशिप में आ जाती है अपने एवरेज बॉयफ्रेंड ली हाउई के साथ, जो कि उसी के साथ उस कंपनी में काम करता है। मतलब वो क्लीग होते हैं, रिलेशनशिप में होते हैं, फिर वो उस रिलेशनशिप में सीरियस हो जाते हैं। तो जो हाउई है वो अपनी जिंदगी की स्ट्रिक्ट प्लानिंग करती है और भाई भाई उसको फॉलो करता है, और दूसरी तरफ जो कैनवान जो है वो एक कैपेबल टैलेंटेड ऑपरेटर है और वो सीईओ है सिक्योरिटीज कंपनी का। तो वो जो है खुश नहीं है बिल्कुल भी काउ ज्ञान के साथ अपने रिलेशनशिप से। 10 साल के रिलेशनशिप में वो खुश नहीं है, जो कि बहुत सुंदर महिला है और अपनी जिंदगी उसके लिए बिता रही है, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग सा है। इसके एंड में होता है कि वही भी और केवान जो है वो अपनी पोजीशन से रिजाइन कर देते हैं। तो वही भी डिसाइड करती है कि वो खुद को डिस्कवर करेगी रिलेशनशिप स्टार्ट करने से पहले। केवान जो है उसका वेट करने के लिए तैयार हो जाता है और फिर एंड में वो अपने दोस्त की शादी में चले जाते हैं और वहाँ वो डेट पे जाते हैं। बिफोर वी गेट मैरिड एक 2019 में बनी हुई ताइवान टेलीविजन सीरीज है जिसको क्रिएट और प्रोड्यूस किया था गाला टेलीविजन ने और जेसन्स एंटरटेनमेंट ने। इस सीरीज को मैरिज बिफोर लव नाम से भी जाना जाता है। ये स्टोरी जो है बिफोर वी गेट मैरिड नोवेल के ऊपर बेस्ड
इसकी इसकी रेटिंग फैन यूंग साई ने की है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जू वी वी एक सीरियस रिलेशनशिप में आ जाता है, आ जाती है अपने एवरेज बॉयफ्रेंड ली हाउई के साथ, जो कि उसी के साथ उस कंपनी में काम करता है। मतलब वो कलीग होते हैं, रिलेशनशिप में होते हैं, फिर वो उस रिलेशनशिप में सीरियस हो जाते हैं। तो जो हाउई है वो अपनी जिंदगी की स्ट्रिक्ट प्लानिंग करती है और वाई वाई उसको फॉलो करता है। और दूसरी तरफ जो कैनवान जो है वो एक कैपेबल टैलेंटेड स्टॉक ट्रेडर है और वो सीईओ है सिक्योरिटीज कंपनी का। तो वो जो है खुश नहीं है बिल्कुल भी काउ ज्ञान के साथ अपने रिलेशनशिप से, 10 साल के रिलेशनशिप में वो खुश नहीं है, जो कि बहुत सुंदर महिला है और अपनी जिंदगी उसके लिए बिता रही है, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग सा है। इसके एंड में होता है कि वही वही और केवान जो है वो अपनी पोजीशन से रिजाइन कर देते हैं। तो वही वही डिसाइड करती है कि वो खुद को डिस्कवर करेगी रिलेशनशिप स्टार्ट करने से पहले। केवान जो है उसका वेट करने के लिए तैयार हो जाता है और फिर एंड में वो अपने दोस्त की शादी में चले जाते हैं और वहाँ वो डेट पे जाते हैं। बिफोर वी गेट मैरिड एक 2019 में बनी हुई ताइवान टेलीविजन सीरीज है जिसको क्रिएट और प्रोड्यूस किया था गाला टेलीविजन ने और जेसन्स एंटरटेनमेंट ने। इस सीरीज को मैरिज बिफोर लव नाम से भी जाना जाता है। ये स्टोरी जो है बिफोर वी गेट मैरिड नोवेल के ऊपर बेस्ड है, जिसकी स्क्रीन राइटिंग फान युंग साई ने की है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जू वी वी एक सीरियस रिलेशनशिप में आ जाता है, आ जाती है अपने एवरेज बॉयफ्रेंड ली हाउई के साथ, जो कि उसी के साथ उस कंपनी में काम करता है। मतलब वो कलीग होते हैं, रिलेशनशिप में होते हैं, फिर वो उस रिलेशनशिप में सीरियस हो जाते हैं। तो जो हाउई है वो अपनी जिंदगी की स्ट्रिक्ट प्लानिंग करती है और वाई वाई उसको फॉलो करता है। और दूसरी तरफ जो कैनवान जो है वो एक कैपेबल टैलेंटेड स्टॉक ट्रेडर है और वो सीईओ है सिक्योरिटीज कंपनी का। तो वो जो है खुश नहीं है बिल्कुल भी काउ ज्ञान के साथ अपने रिलेशनशिप से, 10 साल के रिलेटेड एक 2019 में बनी हुई ताइवान टेलीविजन सीरीज है जिसको क्रिएट और प्रोड्यूस किया था गाला टेलीविजन ने और जेसन्स एंटरटेनमेंट ने। इस सीरीज को मैरिज बिफोर लव नाम से भी जाना जाता है। ये स्टोरी जो है बिफोर वी गेट मैरिड नोवेल के ऊपर बेस्ड है, जिसकी स्क्रीन राइटिंग फान युंग साई ने की है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जू वी वी एक सीरियस रिलेशनशिप में आ जाता है, आ जाती है अपने एवरेज बॉयफ्रेंड ली हाउई के साथ, जो कि उसी के साथ उस कंपनी में काम करता है। मतलब वो कलीग होते हैं, रिलेशनशिप में होते हैं, फिर वो उस रिलेशनशिप में सीरियस हो जाते हैं। तो जो हाउई है वो अपनी जिंदगी की स्ट्रिक्ट प्लानिंग करती है और वाई वाई उसको फॉलो करता है। और दूसरी तरफ जो कैनवान जो है वो एक कैपेबल टैलेंटेड स्टॉक ट्रेडर है और वो सीईओ है सिक्योरिटीज कंपनी का। तो वो जो है खुश नहीं है बिल्कुल भी काउ ज्ञान के साथ अपने रिलेशनशिप से, 10 साल के रिलेशनशिप में वो खुश नहीं है, जो कि बहुत सुंदर महिला है और अपनी जिंदगी उसके लिए बिता रही है, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग सा है। इसके एंड में होता है कि वही वही और केवान जो है वो अपनी पोजीशन से रिजाइन कर देते हैं। तो वही वही डिसाइड करती है कि वो खुद को डिस्कवर करेगी रिलेशनशिप स्टार्ट करने से पहले। केवान जो है उसका वेट करने के लिए तैयार हो जाता है और फिर एंड में वो अपने दोस्त की शादी में चले जाते हैं और वहाँ वो डेट पे जाते हैं। बिफोर वी गेट मैरिड
एक 2019 में बनी हुई ताइवान टेलीविजन सीरीज है जिसको क्रिएट और प्रोड्यूस किया था गाला टेलीविजन ने और जेसन्स एंटरटेनमेंट ने। इस सीरीज को मैरिज बिफोर लव नाम से भी जाना जाता है। ये स्टोरी जो है बिफोर वी गेट मैरिड नोवेल के ऊपर बेस्ड है जिसकी इसकी राइटिंग फैन यूंग साई ने की है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो वे वही एक सीरियस रिलेशनशिप में आ जाता है आ जाती है अपने एवरेज बॉयफ्रेंड ली हाउई के साथ जो कि उसी के साथ उस कंपनी में काम करता है। मतलब वो कलीग होते हैं, रिलेशनशिप में होते हैं, फिर वो उस रिलेशनशिप में सीरियस हो जाते हैं। तो जो हाउई है वो अपनी जिंदगी की स्ट्रिक्ट प्लानिंग करती है और भाई भाई उसको फॉलो करता है। और दूसरी तरफ जो कैनवान जो है वो एक कैपेबल टैलेंटेड सॉफ्टवेयर ट्रेडर है और वो सीईओ है सिक्योरिटीज कंपनी का। तो वो जो है खुश नहीं है बिल्कुल भी काउ ज्ञान के साथ अपने रिलेशनशिप से। 10 साल के रिलेशनशिप में वो खुश नहीं है जो कि बहुत सुंदर महिला है और अपनी जिंदगी उसके लिए बिता रही है लेकिन फिर भी वो खुश नहीं है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग सा है। इसके एंड में होता है कि वही वे और क्या हुआ जो है वो अपनी पोजीशन से रिजाइन कर देते हैं। तो वही वे डिसाइड करती है कि वो खुद को डिस्कवर करेगी रिलेशनशिप स्टार्ट करने से पहले। क्या हुआ जो है उसका वेट करने के लिए तैयार हो जाता है और फिर एंड में वो अपने दोस्त की शादी में चले जाते हैं और वहां वो डेट पे जाते हैं। बिफोर वी गेट मैरिड एक 2019 में बनी हुई ताइवान टेलीविजन सीरीज है जिसको क्रिएट और प्रोड्यूस किया था गाला टेलीविजन ने और जेसन्स एंटरटेनमेंट ने। इस सीरीज को मैरिज बिफोर लव नाम से भी जाना जाता है। ये स्टोरी जो है बिफोर वी गेट मैरिड नोवेल के ऊपर बेस्ड है जिसकी इसकी राइटिंग फैन यूंग साई ने की है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो वे वही एक सीरियस रिलेशनशिप में आ जाता है आ जाती है अपने एवरेज बॉयफ्रेंड ली हाउई के साथ जो कि उसी के साथ उस कंपनी में काम करता है। मतलब वो कलीग होते हैं और रिलेशनशिप में होते हैं फिर वो उस रिलेशनशिप में सीरियस हो जाते हैं। तो जो हाउई है वो अपनी जिंदगी की स्ट्रिक्ट प्लानिंग करती है और भाई भाई उसको फॉलो करता है। और दूसरी तरफ जो कैनवान जो है वो एक कैपेबल टैलेंटेड सॉफ्टवेयर ट्रेडर है और वो सीईओ है सिक्योरिटीज कंपनी का। तो वो जो है खुश नहीं है बिल्कुल भी काउ ज्ञान के साथ अपने रिलेशनशिप से। 10 साल के रिलेशनशिप में वो खुश नहीं है जो कि बहुत सुंदर महिला है और अपनी जिंदगी उसके लिए बिता रही है लेकिन फिर भी वो खुश नहीं है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग सा है। इसके एंड में होता है कि वही वे और क्या हुआ जो है वो अपनी पोजीशन से रिजाइन कर देते हैं। तो वही वे डिसाइड करती है कि वो खुद को डिस्कवर करेगी रिलेशनशिप स्टार्ट करने से पहले। क्या हुआ जो है उसका वेट करने के लिए तैयार हो जाता है और फिर एंड में वो अपने दोस्त की शादी में चले जाते हैं और वहां वो डेट पे जाते हैं। बिफोर वी गेट मैरिड एक 2019 में बनी हुई ताइवान टेलीविजन सीरीज है जिसको क्रिएट और प्रोड्यूस किया था गाला टेलीविजन ने और जेसन्स एंटरटेनमेंट ने। इस सीरीज को मैरिज बिफोर लव नाम से भी जाना जाता है। ये स्टोरी जो है बिफोर वी गेट मैरिड नोवेल के ऊपर बेस्ड है जिसकी इसकी राइटिंग फैन यूंग साई ने की है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो वे वही एक सीरियस रिलेशनशिप में आ जाता है आ जाती है अपने एवरेज बॉयफ्रेंड ली हाउई के साथ जो कि उसी के साथ उस कंपनी में काम करता है। मतलब वो कलीग होते हैं और रिलेशनशिप में होते हैं फिर वो उस रिलेशनशिप में सीरियस हो जाते हैं।
हुई है वो अपनी जिंदगी की स्ट्रिक्ट प्लानिंग करती है और भाई भाई उसको फॉलो करता है, और दूसरी तरफ जो कैनवान जो है वो एक कैपेबल टैलेंटेड स्टॉक ट्रेडर है और वो सीईओ है सिक्योरिटीज कंपनी का। तो वो जो है खुश नहीं है बिल्कुल भी काउ ज्ञान के साथ अपने रिलेशनशिप से। 10 साल के एक 2019 में बनी हुई ताइवान टेलीविजन सीरीज है जिसको क्रिएट और प्रोड्यूस किया था गाला टेलीविजन ने और जेसन्स एंटरटेनमेंट ने। इस सीरीज को मैरिज बिफोर लव नाम से भी जाना जाता है। ये स्टोरी जो है बिफोर वी गेट मैरिड नोवेल के ऊपर बेस्ड है जिसकी स्क्रीन राइटिंग फैन यूंग साई ने की है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जूम हुई हुई एक सीरियस रिलेशनशिप में आ जाता है, आ जाती है अपने एवरेज बॉयफ्रेंड ली हाउई के साथ जो कि उसी के साथ उस कंपनी में काम करता है। मतलब वो कली होते हैं, रिलेशनशिप में होते हैं, फिर वो उस रिलेशनशिप में सीरियस हो जाते हैं। तो जो हाउई है वो अपनी जिंदगी की स्ट्रिक्ट प्लानिंग करती है और भाई भाई उसको फॉलो करता है, और दूसरी तरफ जो कैनवान जो है वो एक कैपेबल टैलेंटेड स्टॉक ट्रेडर है और वो सीईओ है सिक्योरिटीज कंपनी का। तो वो जो है खुश नहीं है बिल्कुल भी काउ ज्ञान के साथ अपने रिलेशनशिप से। 10 साल के रिलेशनशिप में वो खुश नहीं है जो कि बहुत सुंदर महिला है और अपनी जिंदगी उसके लिए बिता रही है, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग सा है। इसके एंड में होता है कि वही भी उसके वन जो है वो अपनी पोजीशन से रिजाइन कर देते हैं। तो वही भी डिसाइड करती है कि वो खुद को डिस्कवर करेगी रिलेशनशिप स्टार्ट करने से पहले। कैवान जो है उसका वेट करने के लिए तैयार हो जाता है और फिर एंड में वो अपने दोस्त की शादी में चले जाते हैं और वहाँ वो डेट पे जाते हैं। बिफोर वी गेट मैरिड एक 2019 में बनी हुई ताइवान टेलीविजन सीरीज है जिसको क्रिएट और प्रोड्यूस किया था गाला टेलीविजन ने और जेसन्स एंटरटेनमेंट ने। इस सीरीज को मैरिज बिफोर लव नाम से भी जाना जाता है। ये स्टोरी जो है बिफोर वी गेट मैरिड नोवेल के ऊपर बेस्ड है जिसकी स्क्रीन राइटिंग फैन यूंग साई ने की है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जूम हुई हुई एक सीरियस रिलेशनशिप में आ जाता है, आ जाती है अपने एवरेज बॉयफ्रेंड ली हाउई के साथ जो कि उसी के साथ उस कंपनी में काम करता है। मतलब वो कली होते हैं, रिलेशनशिप में होते हैं, फिर वो उस रिलेशनशिप में सीरियस हो जाते हैं। तो जो हाउई है वो अपनी जिंदगी की स्ट्रिक्ट प्लानिंग करती है और भाई भाई उसको फॉलो करता है, और दूसरी तरफ जो कैनवान जो है वो एक कैपेबल टैलेंटेड स्टॉक ट्रेडर है और वो सीईओ है सिक्योरिटीज कंपनी का। तो वो जो है खुश नहीं है बिल्कुल भी काउ ज्ञान के साथ अपने रिलेशनशिप से। 10 साल के रिलेशनशिप में वो खुश नहीं है जो कि बहुत सुंदर महिला है और अपनी जिंदगी उसके लिए बिता रही है, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग सा है। इसके एंड में होता है कि वही भी उसके वहाँ जो है वो अपनी पोजीशन से रिजाइन कर देते हैं। तो वही भी डिसाइड करती है कि वो खुद को डिस्कवर करेगी रिलेशनशिप स्टार्ट करने से पहले। कैवान जो है उसका वेट करने के लिए तैयार हो जाता है और फिर एंड में वो अपने दोस्त की शादी में चले जाते हैं और वहाँ वो डेट पे जाते हैं। बिफोर वी गेट मैरिड एक 2019 में बनी हुई ताइवान टेलीविजन सीरीज है जिसको क्रिएट और प्रोड्यूस किया था गाला टेलीविजन ने और जेसन्स एंटरटेनमेंट ने। इस सीरीज को मैरिज बिफोर लव नाम से भी जाना जाता है। ये
स्टोरी जो है बिफोर वी गेट मैरिड नोवेल के ऊपर बेस्ड है, जिसकी स्क्रीन राइटिंग फान युंग साई ने की है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जूम हुई हुई एक सीरियस रिलेशनशिप में आ जाता है, आ जाती है अपने एवरेज बॉयफ्रेंड ली हाउई के साथ, जो कि उसी के साथ उस कंपनी में काम करता है। मतलब वो कली होते हैं और रिलेशनशिप में होते हैं, फिर वो उस रिलेशनशिप में सीरियस हो जाते हैं। तो जो हाउई है वो अपनी जिंदगी की स्ट्रिक्ट प्लानिंग करती है और भाई भाई उसको फॉलो करता है। और दूसरी तरफ जो कैनवान जो है वो एक कैपेबल टैलेंटेड स्टॉक ट्रेडर है और वो सीईओ है सिक्योरिटीज कंपनी का। तो वो जो है खुश नहीं है बिल्कुल भी काउ ज्ञान के साथ अपने रिलेशनशिप से, 10 साल के रिलेशनशिप में वो खुश नहीं है, जो कि बहुत सुंदर महिला है और अपनी जिंदगी उसके लिए बिता रही है, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग सा है। इसके एंड में होता है कि वही वे और केवान जो है वो अपनी पोजीशन से रिजाइन कर देते हैं। तो वही वे डिसाइड करती है कि वो खुद को डिस्कवर करेगी रिलेशनशिप स्टार्ट करने से पहले। केवान जो है उसका वेट करने के लिए तैयार हो जाता है और फिर एंड में वो अपने दोस्त की शादी में चले जाते हैं और वहाँ वो डेट पे जाते हैं। बिफोर वी गेट मैरिड एक 2019 में बनी हुई ताइवान टेलीविजन सीरीज है, जिसको क्रिएट और प्रोड्यूस किया था गाला टेलीविजन ने और जेसन्स एंटरटेनमेंट ने। इस सीरीज को मैरिज बिफोर लव नाम से भी जाना जाता है। ये स्टोरी जो है बिफोर वी गेट मैरिड नोवेल के ऊपर बेस्ड है, जिसकी स्क्रीन राइटिंग फान युंग साई ने की है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जूम हुई हुई एक सीरियस रिलेशनशिप में आ जाता है, आ जाती है अपने एवरेज बॉयफ्रेंड ली हाउई के साथ, जो कि उसी के साथ उस कंपनी में काम करता है। मतलब वो कली होते हैं और रिलेशनशिप में होते हैं, फिर वो उस रिलेशनशिप में सीरियस हो जाते हैं। तो जो हाउई है वो अपनी जिंदगी की स्ट्रिक्ट प्लानिंग करती है और भाई भाई उसको फॉलो करता है। और दूसरी तरफ जो कैनवान जो है वो एक कैपेबल टैलेंटेड स्टॉक ट्रेडर है और वो सीईओ एक 2019 में बनी हुई ताइवान टेलीविजन सीरीज है, जिसको क्रिएट और प्रोड्यूस किया था गाला टेलीविजन ने और जेसन्स एंटरटेनमेंट ने। इस सीरीज को मैरिज बिफोर लव नाम से भी जाना जाता है। ये स्टोरी जो है बिफोर वी गेट मैरिड नोवेल के ऊपर बेस्ड है, जिसकी स्क्रीन राइटिंग फान युंग साई ने की है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जूम हुई हुई एक सीरियस रिलेशनशिप में आ जाता है, आ जाती है अपने एवरेज बॉयफ्रेंड ली हाउई के साथ, जो कि उसी के साथ उस कंपनी में काम करता है। मतलब वो कली होते हैं और रिलेशनशिप में होते हैं, फिर वो उस रिलेशनशिप में सीरियस हो जाते हैं। तो जो हाउई है वो अपनी जिंदगी की स्ट्रिक्ट प्लानिंग करती है और भाई भाई उसको फॉलो करता है। और दूसरी तरफ जो कैनवान जो है वो एक कैपेबल टैलेंटेड स्टॉक ट्रेडर है और वो सीईओ है सिक्योरिटीज कंपनी का। तो वो जो है खुश नहीं है बिल्कुल भी काउ ज्ञान के साथ अपने रिलेशनशिप से, 10 साल के रिलेशनशिप में वो खुश नहीं है, जो कि बहुत सुंदर महिला है और अपनी जिंदगी उसके लिए बिता रही है, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग सा है। इसके एंड में होता है कि वही वे और केवान जो है वो अपनी पोजीशन से रिजाइन कर देते हैं। तो वही वे डिसाइड करती है कि वो खुद को डिस्कवर करेगी रिलेशनशिप स्टार्ट करने से पहले। केवान जो है उसका वेट करने के लिए तैयार हो जाता है और फिर एंड में वो अपने दोस्त की शादी में चले जाते हैं और वहाँ वो डेट पे जाते हैं। बिफोर वी गेट मैरिड एक 2019 में बनी हुई
ताइवान टेलीविजन सीरीज है जिसको क्रिएट और प्रोड्यूस किया था गाला टेलीविजन ने और जेसन्स एंटरटेनमेंट ने। इस सीरीज को मैरिज बिफोर लव नाम से भी जाना जाता है। ये स्टोरी जो है बिफोर वी गेट मैरिड नोवेल के ऊपर बेस्ड है जिसकी स्क्रीन राइटिंग फैन यूंग साई ने की है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जूम वे वही एक सीरियस रिलेशनशिप में आ जाती है अपने एवरेज बॉयफ्रेंड ली हाउई के साथ, जो कि उसी के साथ उस कंपनी में काम करता है। मतलब वो क्लीग होते हैं, रिलेशनशिप में होते हैं, फिर वो उस रिलेशनशिप में सीरियस हो जाते हैं। तो जो हाउई है वो अपनी जिंदगी की स्ट्रिक्ट प्लानिंग करती है और भाई भाई उसको फॉलो करता है। और दूसरी तरफ जो कैनवान जो है वो एक कैपेबल टैलेंटेड स्टॉक ट्रेडर है और वो सीईओ है सिक्योरिटीज कंपनी का। तो वो जो है खुश नहीं है बिल्कुल भी काउ ज्ञान के साथ अपने रिलेशनशिप से, 10 साल के रिलेशनशिप में वो खुश नहीं है, जो कि एक बहुत सुंदर महिला है और अपनी जिंदगी उसके लिए बिता रही है, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग सा है। इसके एंड में होता है कि वही वे और कैनवान जो है वो अपनी पोजीशन से रिजाइन कर देते हैं। तो वही वे डिसाइड करती है कि वो खुद को डिस्कवर करेगी रिलेशनशिप स्टार्ट करने से पहले। कैनवान जो है उसका वेट करने के लिए तैयार हो जाता है और फिर एंड में वो अपने दोस्त की शादी में चले जाते हैं और वहाँ वो डेट पे जाते हैं। बिफोर वी गेट मैरिड एक 2019 में बनी हुई ताइवान टेलीविजन सीरीज है जिसको क्रिएट और प्रोड्यूस किया था गाला टेलीविजन ने और जेसन्स एंटरटेनमेंट ने। इस सीरीज को मैरिज बिफोर लव नाम से भी जाना जाता है। ये स्टोरी जो है बिफोर वी गेट मैरिड नोवेल के ऊपर बेस्ड है जिसकी स्क्रीन राइटिंग फैन यूंग साई ने की है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जूम वे वही एक सीरियस रिलेशनशिप में आ जाती है अपने एवरेज बॉयफ्रेंड ली हाउई के साथ, जो कि उसी के साथ उस कंपनी में काम करता है। मतलब वो क्लीग होते हैं, रिलेशनशिप में होते हैं, फिर वो उस रिलेशनशिप में सीरियस हो जाते हैं। तो जो हाउई है वो अपनी जिंदगी की स्ट्रिक्ट प्लानिंग करती है और भाई भाई उसको फॉलो करता है। और दूसरी तरफ जो कैनवान जो है वो एक कैपेबल टैलेंटेड स्टॉक ट्रेडर है और वो सीईओ है सिक्योरिटीज कंपनी का। तो वो जो है खुश नहीं है बिल्कुल भी काउ ज्ञान के साथ अपने रिलेशनशिप से, 10 साल के रिलेशनशिप में वो खुश नहीं है, जो कि एक बहुत सुंदर महिला है और अपनी जिंदगी उसके लिए बिता रही है, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग सा है। इसके एंड में होता है कि वही वे और कैनवान जो है वो अपनी पोजीशन से रिजाइन कर देते हैं। तो वही वे डिसाइड करती है कि वो खुद को डिस्कवर करेगी रिलेशनशिप स्टार्ट करने से पहले। कैनवान जो है उसका वेट करने के लिए तैयार हो जाता है और फिर एंड में वो अपने दोस्त की शादी में चले जाते हैं और वहाँ वो डेट पे जाते हैं। बिफोर वी गेट मैरिड एक 2019 में बनी हुई ताइवान टेलीविजन सीरीज है जिसको क्रिएट और प्रोड्यूस किया था गाला टेलीविजन ने और जेसन्स एंटरटेनमेंट ने। इस सीरीज को मैरिज बिफोर लव नाम से भी जाना जाता है। ये स्टोरी जो है बिफोर वी गेट मैरिड नोवेल के ऊपर बेस्ड है जिसकी स्क्रीन राइटिंग फैन यूंग साई ने की है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जूम वे वही एक सीरियस रिलेशनशिप में आ जाती है अपने एवरेज बॉयफ्रेंड ली हाउई के साथ, जो कि उसी के साथ उस कंपनी में काम करता है। मतलब वो क्लीग होते हैं, रिलेशनशिप में होते हैं, फिर वो उस रिलेशनशिप में सीरियस हो जाते हैं। तो जो हाउई है वो अपनी जिंदगी
फॉलो करता है, और दूसरी तरफ जो कैनवान जो है वो एक कैपेबल टैलेंटेड ऑपरेटर है और वो सीईओ है सिक्योरिटीज कंपनी का। तो वो जो है खुश नहीं है बिल्कुल भी गाओ ज्ञान के साथ अपने रिलेशनशिप से। 10 साल के रिलेशन 2019 में बनी हुई ताइवान टेलीविजन सीरीज है जिसको क्रिएट और प्रोड्यूस किया था गाला टेलीविजन ने और जेसन्स एंटरटेनमेंट ने। इस सीरीज को मैरिज बिफोर लव नाम से भी जाना जाता है। ये स्टोरी जो है बिफोर वी गेट मैरिड नोवेल के ऊपर बेस्ड है जिसकी स्क्रीन राइटिंग फैन यूंग साई ने की है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जूम वी वी एक सीरियस रिलेशनशिप में आ जाता है, आ जाती है अपने एवरेज बॉयफ्रेंड ली हाउई के साथ, जो कि उसी के साथ उस कंपनी में काम करता है। मतलब वो कली होते हैं, रिलेशनशिप में होते हैं, फिर वो उस रिलेशनशिप में सीरियस हो जाते हैं। तो जो हाउई है वो अपनी जिंदगी की स्ट्रिक्ट प्लानिंग करती है और भाई भाई उसको फॉलो करता है, और दूसरी तरफ जो कैनवान जो है वो एक कैपेबल टैलेंटेड ऑपरेटर है और वो सीईओ है सिक्योरिटीज कंपनी का। तो वो जो है खुश नहीं है बिल्कुल भी गाओ ज्ञान के साथ अपने रिलेशनशिप से। 10 साल के रिलेशनशिप में वो खुश नहीं है, जो कि एक बहुत सुंदर महिला है और अपनी जिंदगी उसके लिए बिता रही है, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग सा है। इसके एंड में होता है कि वही वी और केवान जो है वो अपनी पोजीशन से रिजाइन कर देते हैं। तो वही वी डिसाइड करती है कि वो खुद को डिस्कवर करेगी रिलेशनशिप स्टार्ट करने से पहले। केवान जो है उसका वेट करने के लिए तैयार हो जाता है, और फिर एंड में वो अपने दोस्त की शादी में चले जाते हैं और वहाँ वो डेट पे जाते हैं। बिफोर वी गेट मैरिड एक 2019 में बनी हुई ताइवान टेलीविजन सीरीज है जिसको क्रिएट और प्रोड्यूस किया था गाला टेलीविजन ने और जेसन्स एंटरटेनमेंट ने। इस सीरीज को मैरिज बिफोर लव नाम से भी जाना जाता है। ये स्टोरी जो है बिफोर वी गेट मैरिड नोवेल के ऊपर बेस्ड है जिसकी स्क्रीन राइटिंग फैन यूंग साई ने की है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जूम वी वी एक सीरियस रिलेशनशिप में आ जाता है, आ जाती है अपने एवरेज बॉयफ्रेंड ली हाउई के साथ, जो कि उसी के साथ उस कंपनी में काम करता है। मतलब वो कली होते हैं, रिलेशनशिप में होते हैं, फिर वो उस रिलेशनशिप में सीरियस हो जाते हैं। तो जो हाउई है वो अपनी जिंदगी की स्ट्रिक्ट प्लानिंग करती है और भाई भाई उसको फॉलो करता है, और दूसरी तरफ जो कैनवान जो है वो एक कैपेबल टैलेंटेड ऑपरेटर है और वो सीईओ है सिक्योरिटीज कंपनी का। तो वो जो है खुश नहीं है बिल्कुल भी गाओ ज्ञान के साथ अपने रिलेशनशिप से। 10 साल के रिलेशनशिप में वो खुश नहीं है, जो कि एक बहुत सुंदर महिला है और अपनी जिंदगी उसके लिए बिता रही है, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग सा है। इसके एंड में होता है कि वही वी और केवान जो है वो अपनी पोजीशन से रिजाइन कर देते हैं। तो वही वी डिसाइड करती है कि वो खुद को डिस्कवर करेगी रिलेशनशिप स्टार्ट करने से पहले। केवान जो है उसका वेट करने के लिए तैयार हो जाता है, और फिर एंड में वो अपने दोस्त की शादी में चले जाते हैं और वहाँ वो डेट पे जाते हैं। बिफोर वी गेट मैरिड एक 2019 में बनी हुई ताइवान टेलीविजन सीरीज है जिसको क्रिएट और प्रोड्यूस किया था गाला टेलीविजन ने और जेसन्स एंटरटेनमेंट ने। इस सीरीज को मैरिज बिफोर लव नाम से भी जाना जाता है। ये स्टोरी जो है बिफोर वी गेट मैरिड नोवेल के ऊपर बेस्ड है जिसकी स्क्रीन राइटिंग फैन यूंग साई ने की है।
इसमें क्या होता है, इसमें जूम भी वही एक सीरियस रिलेशनशिप में आ जाती है अपने एवरेज बॉयफ्रेंड ली हाउई के साथ, जो कि उसी के साथ उस कंपनी में काम करता है। मतलब वो कलीग होते हैं और रिलेशनशिप में होते हैं, फिर वो उस रिलेशनशिप में सीरियस हो जाते हैं। तो जो हाउई है वो अपनी जिंदगी की स्ट्रिक्ट प्लानिंग करती है और भाई भाई उसको फॉलो करता है। और दूसरी तरफ जो कैनवान जो है वो एक कैपेबल टैलेंटेड स्टॉक ट्रेडर है और वो सीईओ है सिक्योरिटीज कंपनी का। तो वो जो है खुश नहीं है बिल्कुल भी काउ ज्ञान के साथ अपने रिलेशनशिप से, 10 साल के रिलेशनशिप में वो खुश नहीं है, जो कि एक बहुत सुंदर महिला है और अपनी जिंदगी उसके लिए बिता रही है, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग सा है। इसके एंड में होता है कि वही वही और केवान जो है वो अपनी पोजीशन से रिजाइन कर देते हैं। तो वही वही डिसाइड करती है कि वो खुद को डिस्कवर करेगी रिलेशनशिप स्टार्ट करने से पहले। केवान जो है उसका वेट करने के लिए तैयार हो जाता है और फिर एंड में वो अपने दोस्त की शादी में चले जाते हैं और वहाँ वो डेट पे जाते हैं। बिफोर वी गेट मैरिड एक 2019 में बनी हुई ताइवान टेलीविजन सीरीज है जिसको क्रिएट और प्रोड्यूस किया था गाला टेलीविजन ने और जेसन्स एंटरटेनमेंट ने। इस सीरीज को मैरिज बिफोर लव नाम से भी जाना जाता है। ये स्टोरी जो है बिफोर वी गेट मैरिड नोवेल के ऊपर बेस्ड है, जिसकी स्क्रीन राइटिंग फान युंग साई ने की है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जूम भी हुई एक सीरियस रिलेशनशिप में आ जाती है अपने एवरेज बॉयफ्रेंड ली हाउई के साथ, जो कि उसी के साथ उस कंपनी में काम करता है। मतलब वो कलीग होते हैं और रिलेशनशिप में होते हैं, फिर वो उस रिलेशनशिप में सीरियस हो जाते हैं। तो जो हाउई है वो अपनी जिंदगी की स्ट्रिक्ट प्लानिंग करती है और भाई भाई उसको फॉलो करता है। और दूसरी तरफ जो कैनवान जो है वो एक कैपेबल टैलेंटेड स्टॉक ट्रेडर है और वो सीईओ है सिक्योरिटीज कंपनी का। तो वो जो है खुश नहीं है बिल्कुल भी काउ ज्ञान के साथ अपने रिलेशनशिप से, 10 साल के रिलेटेड एक 2019 में बनी हुई ताइवान टेलीविजन सीरीज है जिसको क्रिएट और प्रोड्यूस किया था गाला टेलीविजन ने और जेसन्स एंटरटेनमेंट ने। इस सीरीज को मैरिज बिफोर लव नाम से भी जाना जाता है। ये स्टोरी जो है बिफोर वी गेट मैरिड नोवेल के ऊपर बेस्ड है, जिसकी स्क्रीन राइटिंग फान युंग साई ने की है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जूम भी हुई एक सीरियस रिलेशनशिप में आ जाती है अपने एवरेज बॉयफ्रेंड ली हाउई के साथ, जो कि उसी के साथ उस कंपनी में काम करता है। मतलब वो कलीग होते हैं और रिलेशनशिप में होते हैं, फिर वो उस रिलेशनशिप में सीरियस हो जाते हैं। तो जो हाउई है वो अपनी जिंदगी की स्ट्रिक्ट प्लानिंग करती है और भाई भाई उसको फॉलो करता है। और दूसरी तरफ जो कैनवान जो है वो एक कैपेबल टैलेंटेड स्टॉक ट्रेडर है और वो सीईओ है सिक्योरिटीज कंपनी का। तो वो जो है खुश नहीं है बिल्कुल भी काउ ज्ञान के साथ अपने रिलेशनशिप से, 10 साल के रिलेशनशिप में वो खुश नहीं है, जो कि एक बहुत सुंदर महिला है और अपनी जिंदगी उसके लिए बिता रही है, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग सा है। इसके एंड में होता है कि वही वही और केवान जो है वो अपनी पोजीशन से रिजाइन कर देते हैं। तो वही वही डिसाइड करती है कि वो खुद को डिस्कवर करेगी रिलेशनशिप स्टार्ट करने से पहले। केवान जो है उसका वेट करने के लिए तैयार हो जाता है और फिर एंड में वो अपने दोस्त की शादी में चले जाते हैं और वहाँ वो डेट पे जाते हैं। बिफोर वी गेट मैरिड एक 2019 में बनी हुई
ताइवान टेलीविजन सीरीज है जिसको क्रिएट और प्रोड्यूस किया था गाला टेलीविजन ने और जेसन्स एंटरटेनमेंट ने। इस सीरीज को मैरिज बिफोर लव नाम से भी जाना जाता है। ये स्टोरी जो है बिफोर वी गेट मैरिड नोवेल के ऊपर बेस्ड है जिसकी स्क्रीन राइटिंग फैन यूंग साई ने की है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जूम वे हुई एक सीरियस रिलेशनशिप में आ जाता है, आ जाती है अपने एवरेज बॉयफ्रेंड ली हाउई के साथ, जो कि उसी के साथ उस कंपनी में काम करता है। मतलब वो क्लीग होते हैं, रिलेशनशिप में होते हैं, फिर वो उस रिलेशनशिप में सीरियस हो जाते हैं। तो जो हाउई है वो अपनी जिंदगी की स्ट्रिक्ट प्लानिंग करती है और भाई भाई उसको फॉलो करता है। और दूसरी तरफ जो कैनवान जो है वो एक कैपेबल टैलेंटेड ऑपरेटर है और वो सीईओ है सिक्योरिटीज कंपनी का। तो वो जो है खुश नहीं है बिल्कुल भी काउ ज्ञान के साथ अपने रिलेशनशिप से, 10 साल के रिलेशनशिप में वो खुश नहीं है, जो कि बहुत सुंदर महिला है और अपनी जिंदगी उसके लिए बिता रही है, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग सा है। इसके एंड में ये होता है कि वही वे और कैनवान जो है वो अपनी पोजीशन से रिजाइन कर देते हैं। तो वही वे डिसाइड करती है कि वो खुद को डिस्कवर करेगी रिलेशनशिप स्टार्ट करने से पहले। कैनवान जो है उसका वेट करने के लिए तैयार हो जाता है और फिर एंड में वो अपने दोस्त की शादी में चले जाते हैं और वहाँ वो डेट पे जाते हैं। बिफोर वी गेट मैरिड एक 2019 में बनी हुई ताइवान टेलीविजन सीरीज है जिसको क्रिएट और प्रोड्यूस किया था गाला टेलीविजन ने और जेसन्स एंटरटेनमेंट ने। इस सीरीज को मैरिज बिफोर लव नाम से भी जाना जाता है। ये स्टोरी जो है बिफोर वी गेट मैरिड नोवेल के ऊपर बेस्ड है जिसकी स्क्रीन राइटिंग फैन यूंग साई ने की है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जूम वे हुई एक सीरियस रिलेशनशिप में आ जाती है अपने एवरेज बॉयफ्रेंड ली हाउई के साथ, जो कि उसी के साथ उस कंपनी में काम करता है। मतलब वो क्लीग होते हैं, रिलेशनशिप में होते हैं, फिर वो उस रिलेशनशिप में सीरियस हो जाते हैं। तो जो हाउई है वो अपनी जिंदगी की स्ट्रिक्ट प्लानिंग करती है और भाई भाई उसको फॉलो करता है। और दूसरी तरफ जो कैनवान जो है वो एक कैपेबल टैलेंटेड ऑपरेटर है और वो सीईओ है सिक्योरिटीज कंपनी का। तो वो जो है खुश नहीं है बिल्कुल भी काउ ज्ञान के साथ अपने रिलेशनशिप से, 10 साल के रिलेशनशिप में वो खुश नहीं है, जो कि बहुत सुंदर महिला है और अपनी जिंदगी उसके लिए बिता रही है, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग सा है। इसके एंड में ये होता है कि वही वे और कैनवान जो है वो अपनी पोजीशन से रिजाइन कर देते हैं। तो वही वे डिसाइड करती है कि वो खुद को डिस्कवर करेगी रिलेशनशिप स्टार्ट करने से पहले। कैनवान जो है उसका वेट करने के लिए तैयार हो जाता है और फिर एंड में वो अपने दोस्त की शादी में चले जाते हैं और वहाँ वो डेट पे जाते हैं। बिफोर वी गेट मैरिड एक 2019 में बनी हुई ताइवान टेलीविजन सीरीज है जिसको क्रिएट और प्रोड्यूस किया था गाला टेलीविजन ने और जेसन्स एंटरटेनमेंट ने। इस सीरीज को मैरिज बिफोर लव नाम से भी जाना जाता है। ये स्टोरी जो है बिफोर वी गेट मैरिड नोवेल के ऊपर बेस्ड है जिसकी स्क्रीन राइटिंग फैन यूंग साई ने की है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जूम वे हुई एक सीरियस रिलेशनशिप में आ जाती है अपने एवरेज बॉयफ्रेंड ली हाउई के साथ, जो कि उसी के साथ उस कंपनी में काम करता है। मतलब वो क्लीग होते हैं, रिलेशनशिप में होते हैं, फिर वो उस रिलेशनशिप में सीरियस हो जाते हैं। तो जो हाउई है वो
अपनी जिंदगी की स्ट्रिक्ट प्लानिंग करती है और भाई भाई उसको फॉलो करता है, और दूसरी तरफ जो कैनवान जो है वो एक कैपेबल टैलेंटेड स्टॉक ट्रेडर है और वो सीईओ है सिक्योरिटीज कंपनी का। तो वो जो है खुश नहीं है बिल्कुल भी काउ ज्ञान के साथ अपने रिलेशनशिप से, 10 साल के रिलेशन। 2019 में बनी हुई ताइवान टेलीविजन सीरीज है जिसको क्रिएट और प्रोड्यूस किया था गाला टेलीविजन ने और जेसन्स एंटरटेनमेंट ने। इस सीरीज को मैरिज बिफोर लव नाम से भी जाना जाता है। ये स्टोरी जो है बिफोर वी गेट मैरिड नोवेल के ऊपर बेस्ड है जिसकी स्क्रीन राइटिंग फान युंग साई ने की है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जूम भी हुई एक सीरियस रिलेशनशिप में आ जाती है अपने एवरेज बॉयफ्रेंड ली हाउई के साथ, जो कि उसी के साथ उस कंपनी में काम करता है। मतलब वो कलीग होते हैं और रिलेशनशिप में होते हैं, फिर वो उस रिलेशनशिप में सीरियस हो जाते हैं। तो जो हाउई है वो अपनी जिंदगी की स्ट्रिक्ट प्लानिंग करती है और भाई भाई उसको फॉलो करता है, और दूसरी तरफ जो कैनवान जो है वो एक कैपेबल टैलेंटेड स्टॉक ट्रेडर है और वो सीईओ है सिक्योरिटीज कंपनी का। तो वो जो है खुश नहीं है बिल्कुल भी काउ ज्ञान के साथ अपने रिलेशनशिप से, 10 साल के रिलेशनशिप में वो खुश नहीं है, जो कि एक बहुत सुंदर महिला है और अपनी जिंदगी उसके लिए बिता रही है, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग सा है। इसके एंड में ये होता है कि वही वे और के वन जो है वो अपनी पोजीशन से रिजाइन कर देते हैं। तो वही वे डिसाइड करती है कि वो खुद को डिस्कवर करेगी रिलेशनशिप स्टार्ट करने से पहले। के वन जो है उसका वेट करने के लिए तैयार हो जाता है और फिर एंड में वो अपने दोस्त की शादी में चले जाते हैं और वहां वो डेट पे जाते हैं। बिफोर वी गेट मैरिड एक 2019 में बनी हुई ताइवान टेलीविजन सीरीज है जिसको क्रिएट और प्रोड्यूस किया था गाला टेलीविजन ने और जेसन्स एंटरटेनमेंट ने। इस सीरीज को मैरिज बिफोर लव नाम से भी जाना जाता है। ये स्टोरी जो है बिफोर वी गेट मैरिड नोवेल के ऊपर बेस्ड है जिसकी स्क्रीन राइटिंग फान युंग साई ने की है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जूम भी हुई एक सीरियस रिलेशनशिप में आ जाती है अपने एवरेज बॉयफ्रेंड ली हाउई के साथ, जो कि उसी के साथ उस कंपनी में काम करता है। मतलब वो कलीग होते हैं और रिलेशनशिप में होते हैं, फिर वो उस रिलेशनशिप में सीरियस हो जाते हैं। तो जो हाउई है वो अपनी जिंदगी की स्ट्रिक्ट प्लानिंग करती है और भाई भाई उसको फॉलो करता है, और दूसरी तरफ जो कैनवान जो है वो एक कैपेबल टैलेंटेड स्टॉक ट्रेडर है और वो सीईओ है सिक्योरिटीज कंपनी का। तो वो जो है खुश नहीं है बिल्कुल भी काउ ज्ञान के साथ अपने रिलेशनशिप से, 10 साल के रिलेशनशिप में वो खुश नहीं है, जो कि एक बहुत सुंदर महिला है और अपनी जिंदगी उसके लिए बिता रही है, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग सा है। इसके एंड में ये होता है कि वही वे और के वन जो है वो अपनी पोजीशन से रिजाइन कर देते हैं। तो वही वे डिसाइड करती है कि वो खुद को डिस्कवर करेगी रिलेशनशिप स्टार्ट करने से पहले। के वन जो है उसका वेट करने के लिए तैयार हो जाता है और फिर एंड में वो अपने दोस्त की शादी में चले जाते हैं और वहां वो डेट पे जाते हैं। बिफोर वी गेट मैरिड एक 2019 में बनी हुई ताइवान टेलीविजन सीरीज है जिसको क्रिएट और प्रोड्यूस किया था गाला टेलीविजन ने और जेसन्स एंटरटेनमेंट ने। इस सीरीज को मैरिज बिफोर लव नाम से भी जाना जाता है। ये स्टोरी जो है बिफोर वी गेट मैरिड नोवेल के ऊपर
बेस्ड है, जिसकी स्क्रीन राइटिंग फान युंग साई ने की है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जू वी वी एक सीरियस रिलेशनशिप में आ जाता है, आ जाती है अपने एवरेज बॉयफ्रेंड ली हाउई के साथ, जो कि उसी के साथ उस कंपनी में काम करता है। मतलब वो कलीग होते हैं, रिलेशनशिप में होते हैं, फिर वो उस रिलेशनशिप में सीरियस हो जाते हैं। तो जो हाउई है वो अपनी जिंदगी की स्ट्रिक्ट प्लानिंग करती है और भाई भाई उसको फॉलो करता है। और दूसरी तरफ एक 2019 में बनी हुई ताइवान टेलीविजन सीरीज है, जिसको क्रिएट और प्रोड्यूस किया था गाला टेलीविजन ने और जेसन्स एंटरटेनमेंट ने। इस सीरीज को मैरिज बिफोर लव नाम से भी जाना जाता है। ये स्टोरी जो है बिफोर वी गेट मैरिड नोवेल के ऊपर बेस्ड है, जिसकी स्क्रीन राइटिंग फान युंग साई ने की है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जू वी वी एक सीरियस रिलेशनशिप में आ जाता है, आ जाती है अपने एवरेज बॉयफ्रेंड ली हाउई के साथ, जो कि उसी के साथ उस कंपनी में काम करता है। मतलब वो कलीग होते हैं, रिलेशनशिप में होते हैं, फिर वो उस रिलेशनशिप में सीरियस हो जाते हैं। तो जो हाउई है वो अपनी जिंदगी की स्ट्रिक्ट प्लानिंग करती है और भाई भाई उसको फॉलो करता है। और दूसरी तरफ जो कैनवान जो है वो एक कैपेबल टैलेंटेड स्टॉक ट्रेडर है और वो सीईओ है सिक्योरिटीज कंपनी का। तो वो जो है खुश नहीं है बिल्कुल भी काउ ज्ञान के साथ अपने रिलेशनशिप से, 10 साल के रिलेशनशिप में वो खुश नहीं है, जो कि बहुत सुंदर महिला है और अपनी जिंदगी उसके लिए बिता रही है, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग सा है। इसके एंड में ये होता है कि वही वे और केवान जो है वो अपनी पोजीशन से रिजाइन कर देते हैं। तो वही वे डिसाइड करती है कि वो खुद को डिस्कवर करेगी रिलेशनशिप स्टार्ट करने से पहले। केवान जो है उसका वेट करने के लिए तैयार हो जाता है और फिर एंड में वो अपने दोस्त की शादी में चले जाते हैं और वहाँ वो डेट पे जाते हैं। बिफोर वी गेट मैरिड एक 2019 में बनी हुई ताइवान टेलीविजन सीरीज है, जिसको क्रिएट और प्रोड्यूस किया था गाला टेलीविजन ने और जेसन्स एंटरटेनमेंट ने। इस सीरीज को मैरिज बिफोर लव नाम से भी जाना जाता है। ये स्टोरी जो है बिफोर वी गेट मैरिड नोवेल के ऊपर बेस्ड है, जिसकी स्क्रीन राइटिंग फान युंग साई ने की है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जू वी वी एक सीरियस रिलेशनशिप में आ जाता है, आ जाती है अपने एवरेज बॉयफ्रेंड ली हाउई के साथ, जो कि उसी के साथ उस कंपनी में काम करता है। मतलब वो कलीग होते हैं, रिलेशनशिप में होते हैं, फिर वो उस रिलेशनशिप में सीरियस हो जाते हैं। तो जो हाउई है वो अपनी जिंदगी की स्ट्रिक्ट प्लानिंग करती है और भाई भाई उसको फॉलो करता है। और दूसरी तरफ जो कैनवान जो है वो एक कैपेबल टैलेंटेड स्टॉक ट्रेडर है और वो सीईओ है सिक्योरिटीज कंपनी का। तो वो जो है खुश नहीं है बिल्कुल भी काउ ज्ञान के साथ अपने रिलेशनशिप से, 10 साल के रिलेशनशिप में वो खुश नहीं है, जो कि बहुत सुंदर महिला है और अपनी जिंदगी उसके लिए बिता रही है, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग सा है। इसके एंड में ये होता है कि वही वे और केवान जो है वो अपनी पोजीशन से रिजाइन कर देते हैं। तो वही वे डिसाइड करती है कि वो खुद को डिस्कवर करेगी रिलेशनशिप स्टार्ट करने से पहले। केवान जो है उसका वेट करने के लिए तैयार हो जाता है और फिर एंड में वो अपने दोस्त की शादी में चले जाते हैं और वहाँ वो डेट पे जाते हैं। बिफोर वी गेट मैरिड एक 2019 में बनी हुई ताइवान टेलीविजन सीरीज है, जिसको क्रिएट और प्रोड्यूस किया था गाला टेलीविजन ने और जेसन्स एंटरटेनमेंट ने।
इस सीरीज को मैरिज बिफोर लव नाम से भी जाना जाता है। ये स्टोरी जो है बिफोर वी गेट मैरिड नोवेल के ऊपर बेस्ड है, जिसकी स्क्रीन राइटिंग फान युंग साई ने की है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जू वी वी एक सीरियस रिलेशनशिप में आ जाता है, आ जाती है अपने एवरेज बॉयफ्रेंड ली हाउई के साथ, जो कि उसी के साथ उस कंपनी में काम करता है। मतलब वो कलीग होते हैं और रिलेशनशिप में होते हैं, फिर वो उस रिलेशनशिप में सीरियस हो जाते हैं। तो जो हाउई है वो अपनी जिंदगी की स्ट्रिक्ट प्लानिंग करती है और वाई वाई उसको फॉलो करता है। और दूसरी तरफ जो कैनवान जो है वो एक कैपेबल टैलेंटेड स्टॉक ट्रेडर है और वो सीईओ है सिक्योरिटीज कंपनी का। तो वो जो है खुश नहीं है बिल्कुल भी गाओ ज्ञान के साथ अपने रिलेशनशिप से, 10 साल के रिलेशनशिप में वो खुश नहीं है, जो कि बहुत सुंदर महिला है और अपनी जिंदगी उसके लिए बिता रही है, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग सा है। इसके एंड में ये होता है कि वही वही और केवान जो है वो अपनी पोजीशन से रिजाइन कर देते हैं। तो वही वही डिसाइड करती है कि वो खुद को डिस्कवर करेगी रिलेशनशिप स्टार्ट करने से पहले। केवान जो है उसका वेट करने के लिए तैयार हो जाता है और फिर एंड में वो अपने दोस्त की शादी में चले जाते हैं और वहाँ वो डेट पे जाते हैं। बिफोर वी गेट मैरिड एक 2019 में बनी हुई ताइवान टेलीविजन सीरीज है, जिसको क्रिएट और प्रोड्यूस किया था गाला टेलीविजन ने और जेसन्स एंटरटेनमेंट ने। इस सीरीज को मैरिज बिफोर लव नाम से भी जाना जाता है। ये स्टोरी जो है बिफोर वी गेट मैरिड नोवेल के ऊपर बेस्ड है, जिसकी स्क्रीन राइटिंग फान युंग साई ने की है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जू वी वी एक सीरियस रिलेशनशिप में आ जाता है, आ जाती है अपने एवरेज बॉयफ्रेंड ली हाउई के साथ, जो कि उसी के साथ उस कंपनी में काम करता है। मतलब वो कलीग होते हैं और रिलेशनशिप में होते हैं, फिर वो उस रिलेशनशिप में सीरियस हो जाते हैं। तो जो हाउई है वो अपनी जिंदगी की स्ट्रिक्ट प्लानिंग करती है और वाई वाई उसको फॉलो करता है। और दूसरी तरफ जो कैनवान जो है वो एक कैपेबल टैलेंटेड स्टॉक ट्रेडर है और वो सीईओ है सिक्योरिटीज कंपनी का। तो वो जो है खुश नहीं है बिल्कुल भी गाओ ज्ञान के साथ अपने रिलेशनशिप से, 10 साल के एक 2019 में बनी हुई ताइवान टेलीविजन सीरीज है, जिसको क्रिएट और प्रोड्यूस किया था गाला टेलीविजन ने और जेसन्स एंटरटेनमेंट ने। इस सीरीज को मैरिज बिफोर लव नाम से भी जाना जाता है। ये स्टोरी जो है बिफोर वी गेट मैरिड नोवेल के ऊपर बेस्ड है, जिसकी स्क्रीन राइटिंग फान युंग साई ने की है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जू वी वी एक सीरियस रिलेशनशिप में आ जाता है, आ जाती है अपने एवरेज बॉयफ्रेंड ली हाउई के साथ, जो कि उसी के साथ उस कंपनी में काम करता है। मतलब वो कलीग होते हैं और रिलेशनशिप में होते हैं, फिर वो उस रिलेशनशिप में सीरियस हो जाते हैं। तो जो हाउई है वो अपनी जिंदगी की स्ट्रिक्ट प्लानिंग करती है और वाई वाई उसको फॉलो करता है। और दूसरी तरफ जो कैनवान जो है वो एक कैपेबल टैलेंटेड स्टॉक ट्रेडर है और वो सीईओ है सिक्योरिटीज कंपनी का। तो वो जो है खुश नहीं है बिल्कुल भी गाओ ज्ञान के साथ अपने रिलेशनशिप से, 10 साल के रिलेशनशिप में वो खुश नहीं है, जो कि बहुत सुंदर महिला है और अपनी जिंदगी उसके लिए बिता रही है, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग सा है। इसके एंड में होता है कि वही वही और केवान जो है वो अपनी पोजीशन से रिजाइन कर देते हैं। तो वही वही डिसाइड करती है कि वो खुद को डिस्कवर
रिलेशनशिप स्टार्ट करने से पहले रेहुआन जो है उसका वेट करने के लिए तैयार हो जाता है और फिर एंड में वो अपने दोस्त की शादी में चले जाते हैं और वहाँ वो डेट पे जाते हैं। बिफोर वी गेट मैरिड एक 2019 में बनी हुई ताइवान टेलीविजन सीरीज है जिसको क्रिएट और प्रोड्यूस किया था गाला टेलीविजन ने और जेसन्स एंटरटेनमेंट ने। इस सीरीज को मैरिज बिफोर लव नाम से भी जाना जाता है। ये स्टोरी जो है बिफोर वी गेट मैरिड नोवेल के ऊपर बेस्ड है जिसकी इसकी राइटिंग फैन युंग साई ने की है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जूम हुई हुई एक सीरियस रिलेशनशिप में आ जाता है, आ जाती है अपने एवरेज बॉयफ्रेंड ली हाउई के साथ जो कि उसी के साथ उस कंपनी में काम करता है। मतलब वो कली होते हैं और रिलेशनशिप में होते हैं, फिर वो उस रिलेशनशिप में सीरियस हो जाते हैं। तो जो हाउई है वो अपनी जिंदगी की स्ट्रिक्ट प्लानिंग करती है और भाई भाई उसको फॉलो करता है। और दूसरी तरफ जो कैनवान जो है वो एक कैपेबल टैलेंटेड स्टॉक ट्रेडर है और वो सीईओ है सिक्योरिटीज कंपनी का। तो वो जो है खुश नहीं है बिल्कुल भी काउ ज्ञान के साथ अपने रिलेशनशिप से, 10 साल के रिलेशनशिप में वो खुश नहीं है जो कि बहुत सुंदर महिला है और अपनी जिंदगी उसके लिए बिता रही है लेकिन फिर भी वो खुश नहीं है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग सा है। इसके एंड में होता है कि वही वही और कैनवान जो है वो अपनी पोजीशन से रिजाइन कर देते हैं। तो वही वही डिसाइड करती है कि वो खुद को डिस्कवर करेगी रिलेशनशिप स्टार्ट करने से पहले। कैनवान जो है उसका वेट करने के लिए तैयार हो जाता है और फिर एंड में वो अपने दोस्त की शादी में चले जाते हैं और वहाँ वो डेट पे जाते हैं। बिफोर वी गेट मैरिड एक 2019 में बनी हुई ताइवान टेलीविजन सीरीज है जिसको क्रिएट और प्रोड्यूस किया था गाला टेलीविजन ने और जेसन्स एंटरटेनमेंट ने। इस सीरीज को मैरिज बिफोर लव नाम से भी जाना जाता है। ये स्टोरी जो है बिफोर वी गेट मैरिड नोवेल के ऊपर बेस्ड है जिसकी इसकी राइटिंग फैन युंग साई ने की है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जूम हुई हुई एक सीरियस रिलेशनशिप में आ जाता है, आ जाती है अपने एवरेज बॉयफ्रेंड ली हाउई के साथ जो कि उसी साथ उस कंपनी में काम करता है। मतलब वो कली होते हैं और रिलेशनशिप में होते हैं, फिर वो उस रिलेशनशिप में सीरियस हो जाते हैं। तो जो हाउई है वो अपनी जिंदगी की स्ट्रिक्ट प्लानिंग करती है और भाई भाई उसको फॉलो करता है। और दूसरी तरफ जो कैनवान जो है वो एक कैपेबल टैलेंटेड स्टॉक ट्रेडर है और वो सीईओ है सिक्योरिटीज कंपनी का। तो वो जो है खुश नहीं है बिल्कुल भी काउ ज्ञान के साथ अपने रिलेशनशिप से, 10 साल के रिलेशनशिप में वो खुश नहीं है जो कि एक बहुत सुंदर महिला है और अपनी जिंदगी उसके लिए बिता रही है लेकिन फिर भी वो खुश नहीं है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग सा है। इसके एंड में होता है कि वही वही और कैनवान जो है वो अपनी पोजीशन से रिजाइन कर देते हैं। तो वही वही डिसाइड करती है कि वो खुद को डिस्कवर करेगी रिलेशनशिप स्टार्ट करने से पहले। कैनवान जो है उसका वेट करने के लिए तैयार हो जाता है और फिर एंड में वो अपने दोस्त की शादी में चले जाते हैं और वहाँ वो डेट पे जाते हैं। बिफोर वी गेट मैरिड एक 2019 में बनी हुई ताइवान टेलीविजन सीरीज है जिसको क्रिएट और प्रोड्यूस किया था गाला टेलीविजन ने और जेसन्स एंटरटेनमेंट ने। इस सीरीज को मैरिज बिफोर लव नाम से भी जाना जाता है। ये स्टोरी जो है बिफोर वी गेट मैरिड नोवेल के ऊपर बेस्ड है जिसकी इसकी राइटिंग फैन युंग साई ने की है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जूम हुई हुई एक सीरियस रिलेशनशिप में आ जाता है,
आ जाती है अपने एवरेज बॉयफ्रेंड ली हाउई के साथ, जो कि उसी के साथ उस कंपनी में काम करता है। मतलब वो क्लीग होते हैं, रिलेशनशिप में होते हैं, फिर वो उस रिलेशनशिप में सीरियस हो जाते हैं। तो जो हाउई है वो अपनी जिंदगी की स्ट्रिक्ट प्लानिंग करती है और भाई भाई उसको फॉलो करता है। और दूसरी तरफ जो कैनवान जो है वो एक कैपेबल टैलेंटेड स्टॉक ट्रेडर है और वो सीईओ है सिक्योरिटीज कंपनी का। तो वो जो है खुश नहीं है बिल्कुल भी काउ ज्ञान के साथ अपने रिलेशनशिप से। 10 साल के रिलेटेड एक 2019 में बनी हुई ताइवान टेलीविजन सीरीज है जिसको क्रिएट और प्रोड्यूस किया था गाला टेलीविजन ने और जेसन्स एंटरटेनमेंट ने। इस सीरीज को मैरिज बिफोर लव नाम से भी जाना जाता है। ये स्टोरी जो है बिफोर वी गेट मैरिड नोवेल के ऊपर बेस्ड है जिसकी स्क्रीन राइटिंग फैन यूंग साई ने की है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जूम हुई हुई एक सीरियस रिलेशनशिप में आ जाती है अपने एवरेज बॉयफ्रेंड ली हाउई के साथ, जो कि उसी के साथ उस कंपनी में काम करता है। मतलब वो क्लीग होते हैं, रिलेशनशिप में होते हैं, फिर वो उस रिलेशनशिप में सीरियस हो जाते हैं। तो जो हाउई है वो अपनी जिंदगी की स्ट्रिक्ट प्लानिंग करती है और भाई भाई उसको फॉलो करता है। और दूसरी तरफ जो कैनवान जो है वो एक कैपेबल टैलेंटेड स्टॉक ट्रेडर है और वो सीईओ है सिक्योरिटीज कंपनी का। तो वो जो है खुश नहीं है बिल्कुल भी काउ ज्ञान के साथ अपने रिलेशनशिप से। 10 साल के रिलेशनशिप में वो खुश नहीं है, जो कि बहुत सुंदर महिला है और अपनी जिंदगी उसके लिए बिता रही है, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग सा है। इसके एंड में होता है कि वेवी और केवान जो है वो अपनी पोजीशन से रिजाइन कर देते हैं। तो वेवी डिसाइड करती है कि वो खुद को डिस्कवर करेगी रिलेशनशिप स्टार्ट करने से पहले। केवान जो है उसका वेट करने के लिए तैयार हो जाता है और फिर एंड में वो अपने दोस्त की शादी में चले जाते हैं और वहाँ वो डेट पे जाते हैं। बिफोर वी गेट मैरिड एक 2019 में बनी हुई ताइवान टेलीविजन सीरीज है जिसको क्रिएट और प्रोड्यूस किया था गाला टेलीविजन ने और जेसन्स एंटरटेनमेंट ने। इस सीरीज को मैरिज बिफोर लव नाम से भी जाना जाता है। ये स्टोरी जो है बिफोर वी गेट मैरिड नोवेल के ऊपर बेस्ड है जिसकी स्क्रीन राइटिंग फैन यूंग साई ने की है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जूम हुई हुई एक सीरियस रिलेशनशिप में आ जाती है अपने एवरेज बॉयफ्रेंड ली हाउई के साथ, जो कि उसी के साथ उस कंपनी में काम करता है। मतलब वो क्लीग होते हैं, रिलेशनशिप में होते हैं, फिर वो उस रिलेशनशिप में सीरियस हो जाते हैं। तो जो हाउई है वो अपनी जिंदगी की स्ट्रिक्ट प्लानिंग करती है और भाई भाई उसको फॉलो करता है। और दूसरी तरफ जो कैनवान जो है वो एक कैपेबल टैलेंटेड स्टॉक ट्रेडर है और वो सीईओ है सिक्योरिटीज कंपनी का। तो वो जो है खुश नहीं है बिल्कुल भी काउ ज्ञान के साथ अपने रिलेशनशिप से। 10 साल के रिलेशनशिप में वो खुश नहीं है, जो कि बहुत सुंदर महिला है और अपनी जिंदगी उसके लिए बिता रही है, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग सा है। इसके एंड में होता है कि वेवी और केवान जो है वो अपनी पोजीशन से रिजाइन कर देते हैं। तो वेवी डिसाइड करती है कि वो खुद को डिस्कवर करेगी रिलेशनशिप स्टार्ट करने से पहले। केवान जो है उसका वेट करने के लिए तैयार हो जाता है और फिर एंड में वो अपने दोस्त की शादी में चले जाते हैं और वहाँ वो डेट पे जाते हैं। बिफोर वी गेट मैरिड एक 2019 में बनी हुई ताइवान टेलीविजन सीरीज है जिसको क्रिएट और प्रोड्यूस किया था गाला
टेलीविजन में और जेसन्स एंटरटेनमेंट में। इस सीरीज को मैरिज बिफोर लव नाम से भी जाना जाता है। ये स्टोरी जो है बिफोर वी गेट मैरिड नोवेल के ऊपर बेस्ड है, जिसकी स्क्रीन राइटिंग फान युंग साई ने की है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जूम हुई हुई एक सीरियस रिलेशनशिप में आ जाता है, आ जाती है अपने एवरेज बॉयफ्रेंड ली हाउई के साथ, जो कि उसी के साथ उस कंपनी में काम करता है। मतलब वो कलीग होते हैं और रिलेशनशिप में होते हैं, फिर वो उस रिलेशनशिप में सीरियस हो जाते हैं। तो जो हाउई है वो अपनी जिंदगी की स्ट्रिक्ट प्लानिंग करती है और वाई वाई उसको फॉलो करता है। और दूसरी तरफ जो कैनवान जो है वो एक कैपेबल टैलेंटेड स्टॉक ट्रेडर है और वो सीईओ है सिक्योरिटीज कंपनी का। तो वो जो है खुश नहीं है बिल्कुल भी काउ ज्ञान के साथ अपने रिलेशनशिप से, 10 साल के रिलेशनशिप में वो खुश नहीं है, जो कि बहुत सुंदर महिला है और अपनी जिंदगी उसके लिए बिता रही है, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग सा है। इसके एंड में होता है कि वही वे और केवान जो है वो अपनी पोजीशन से रिजाइन कर देते हैं। तो वही वे डिसाइड करती है कि वो खुद को डिस्कवर करेगी रिलेशनशिप स्टार्ट करने से पहले। केवान जो है उसका वेट करने के लिए तैयार हो जाता है और फिर एंड में वो अपने दोस्त की शादी में चले जाते हैं और वहाँ वो डेट पे जाते हैं। बिफोर वी गेट मैरिड एक 2019 में बनी हुई ताइवान टेलीविजन सीरीज है, जिसको क्रिएट और प्रोड्यूस किया था गाला टेलीविजन ने और जेसन्स एंटरटेनमेंट ने। इस सीरीज को मैरिज बिफोर लव नाम से भी जाना जाता है। ये स्टोरी जो है बिफोर वी गेट मैरिड नोवेल के ऊपर बेस्ड है, जिसकी स्क्रीन राइटिंग फान युंग साई ने की है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जूम हुई हुई एक सीरियस रिलेशनशिप में आ जाता है, आ जाती है अपने एवरेज बॉयफ्रेंड ली हाउई के साथ, जो कि उसी के साथ उस कंपनी में काम करता है। मतलब वो कलीग होते हैं और रिलेशनशिप में होते हैं, फिर वो उस रिलेशनशिप में सीरियस हो जाते हैं। तो जो हाउई है वो अपनी जिंदगी की स्ट्रिक्ट प्लानिंग करती है और वाई वाई उसको फॉलो करता है। और दूसरी तरफ जो कैनवान जो है वो एक कैपेबल टैलेंटेड स्टॉक ट्रेडर है और वो सीईओ है सिक्योरिटीज कंपनी का। तो वो जो है खुश नहीं है बिल्कुल भी काउ ज्ञान के साथ अपने रिलेशनशिप से, 10 साल के रिलेशनशिप 2019 में बनी हुई ताइवान टेलीविजन सीरीज है, जिसको क्रिएट और प्रोड्यूस किया था गाला टेलीविजन ने और जेसन्स एंटरटेनमेंट ने। इस सीरीज को मैरिज बिफोर लव नाम से भी जाना जाता है। ये स्टोरी जो है बिफोर वी गेट मैरिड नोवेल के ऊपर बेस्ड है, जिसकी स्क्रीन राइटिंग फान युंग साई ने की है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जूम हुई हुई एक सीरियस रिलेशनशिप में आ जाता है, आ जाती है अपने एवरेज बॉयफ्रेंड ली हाउई के साथ, जो कि उसी के साथ उस कंपनी में काम करता है। मतलब वो कलीग होते हैं और रिलेशनशिप में होते हैं, फिर वो उस रिलेशनशिप में सीरियस हो जाते हैं। तो जो हाउई है वो अपनी जिंदगी की स्ट्रिक्ट प्लानिंग करती है और वाई वाई उसको फॉलो करता है। और दूसरी तरफ जो कैनवान जो है वो एक कैपेबल टैलेंटेड स्टॉक ट्रेडर है और वो सीईओ है सिक्योरिटीज कंपनी का। तो वो जो है खुश नहीं है बिल्कुल भी काउ ज्ञान के साथ अपने रिलेशनशिप से, 10 साल के रिलेशनशिप में वो खुश नहीं है, जो कि बहुत सुंदर महिला है और अपनी जिंदगी उसके लिए बिता रही है, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग सा है। इसके एंड में
होता है कि वही वे और K1 जो है वो अपनी पोजीशन से रिजाइन कर देते हैं। तो वही वे डिसाइड करती है कि वो खुद को डिस्कवर करेगी रिलेशनशिप स्टार्ट करने से पहले। K1 जो है उसका वेट करने के लिए तैयार हो जाता है और फिर एंड में वो अपने दोस्त की शादी में चले जाते हैं और वहाँ वो डेट पे जाते हैं। बिफोर वी गेट मैरिड एक 2019 में बनी हुई ताइवान टेलीविजन सीरीज है जिसको क्रिएट और प्रोड्यूस किया था गाला टेलीविजन ने और जेसन्स एंटरटेनमेंट ने। इस सीरीज को मैरिज बिफोर लव नाम से भी जाना जाता है। ये स्टोरी जो है बिफोर वी गेट मैरिड नोवेल के ऊपर बेस्ड है जिसकी स्क्रीन राइटिंग फैन यूंग साई ने की है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जूम वही एक सीरियस रिलेशनशिप में आ जाती है अपने एवरेज बॉयफ्रेंड ली हाउई के साथ जो कि उसी साथ उस कंपनी में काम करता है। मतलब वो क्लीग होते हैं और रिलेशनशिप में होते हैं, फिर वो उस रिलेशनशिप में सीरियस हो जाते हैं। तो जो हाउई है वो अपनी जिंदगी की स्ट्रिक्ट प्लानिंग करती है और भाई उसको फॉलो करता है। और दूसरी तरफ जो कैनवान जो है वो एक कैपेबल टैलेंटेड स्टॉक ट्रेडर है और वो सीईओ है सिक्योरिटीज कंपनी का। तो वो जो है खुश नहीं है बिल्कुल भी काउ ज्ञान के साथ अपने रिलेशनशिप से। 10 साल के रिलेशनशिप में वो खुश नहीं है जो कि एक बहुत सुंदर महिला है और अपनी जिंदगी उसके लिए बिता रही है लेकिन फिर भी वो खुश नहीं है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग सा है। इसके एंड में होता है कि वही वे और K1 जो है वो अपनी पोजीशन से रिजाइन कर देते हैं। तो वही वे डिसाइड करती है कि वो खुद को डिस्कवर करेगी रिलेशनशिप स्टार्ट करने से पहले। K1 जो है उसका वेट करने के लिए तैयार हो जाता है और फिर एंड में वो अपने दोस्त की शादी में चले जाते हैं और वहाँ वो डेट पे जाते हैं। बिफोर वी गेट मैरिड एक 2019 में बनी हुई ताइवान टेलीविजन सीरीज है जिसको क्रिएट और प्रोड्यूस किया था गाला टेलीविजन ने और जेसन्स एंटरटेनमेंट ने। इस सीरीज को मैरिज बिफोर लव नाम से भी जाना जाता है। ये स्टोरी जो है बिफोर वी गेट मैरिड नोवेल के ऊपर बेस्ड है जिसकी स्क्रीन राइटिंग फैन यूंग साई ने की है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जूम वही एक सीरियस रिलेशनशिप में आ जाती है अपने एवरेज बॉयफ्रेंड ली हाउई के साथ जो कि उसी के साथ उस कंपनी में काम करता है। मतलब वो क्लीग होते हैं और रिलेशनशिप में होते हैं, फिर वो उस रिलेशनशिप में सीरियस हो जाते हैं। तो जो हाउई है वो अपनी जिंदगी की स्ट्रिक्ट प्लानिंग करती है और भाई उसको फॉलो करता है। और दूसरी तरफ जो कैनवान जो है वो एक कैपेबल टैलेंटेड स्टॉक ट्रेडर है और वो सीईओ है सिक्योरिटीज कंपनी का। तो वो जो है खुश नहीं है बिल्कुल भी काउ ज्ञान के साथ अपने रिलेशनशिप से। 10 साल के रिलेशनशिप में वो खुश नहीं है जो कि एक बहुत सुंदर महिला है और अपनी जिंदगी उसके लिए बिता रही है लेकिन फिर भी वो खुश नहीं है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग सा है। इसके एंड में ये होता है कि वही वे और K1 जो है वो अपनी पोजीशन से रिजाइन कर देते हैं। तो वही वे डिसाइड करती है कि वो खुद को डिस्कवर करेगी रिलेशनशिप स्टार्ट करने से पहले। K1 जो है उसका वेट करने के लिए तैयार हो जाता है और फिर एंड में वो अपने दोस्त की शादी में चले जाते हैं और वहाँ वो डेट पे जाते हैं। बिफोर वी गेट मैरिड एक 2019 में बनी हुई ताइवान टेलीविजन सीरीज है जिसको क्रिएट और प्रोड्यूस किया था गाला टेलीविजन ने और जेसन्स एंटरटेनमेंट ने। इस सीरीज को मैरिज बिफोर लव नाम से भी जाना जाता है। ये स्टोरी जो है बिफोर वी गेट मैरिड नोवेल के ऊपर बेस्ड है जिसकी स्क्रीन राइटिंग फैन यूंग साई ने की है।
इसमें जूम हुई हुई एक सीरियस रिलेशनशिप में आ जाता है आ जाती है अपने एक एवरेज बॉयफ्रेंड ली हाउई के साथ, जो कि उसी के साथ उस कंपनी में काम करता है। मतलब वो क्लीग होते हैं, रिलेशनशिप में होते हैं, फिर वो उस रिलेशनशिप में सीरियस हो जाते हैं। तो जो हाउई है वो अपनी जिंदगी की स्ट्रिक्ट प्लानिंग करती है और भाई भाई उसको फॉलो करता है। और दूसरी तरफ जो कैनवाड एक 2019 में बनी हुई ताइवान टेलीविजन सीरीज है, जिसको क्रिएट और प्रोड्यूस किया था गाला टेलीविजन ने और जेसन्स एंटरटेनमेंट ने। इस सीरीज को मैरिज बिफोर लव नाम से भी जाना जाता है। ये स्टोरी जो है बिफोर वी गेट मैरिड नोवेल के ऊपर बेस्ड है, जिसकी स्क्रीन राइटिंग फैन यूंग साई ने की है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जूम हुई हुई एक सीरियस रिलेशनशिप में आ जाता है आ जाती है अपने एवरेज बॉयफ्रेंड ली हाउई के साथ, जो कि उसी के साथ उस कंपनी में काम करता है। मतलब वो क्लीग होते हैं, रिलेशनशिप में होते हैं, फिर वो उस रिलेशनशिप में सीरियस हो जाते हैं। तो जो हाउई है वो अपनी जिंदगी की स्ट्रिक्ट प्लानिंग करती है और भाई भाई उसको फॉलो करता है। और दूसरी तरफ जो कैनवान जो है वो एक कैपेबल टैलेंटेड स्टॉक ट्रेडर है और वो सीईओ है सिक्योरिटीज कंपनी का। तो वो जो है खुश नहीं है बिल्कुल भी काउ ज्ञान के साथ अपने रिलेशनशिप से, 10 साल के रिलेशनशिप में वो खुश नहीं है, जो कि एक बहुत सुंदर महिला है और अपनी जिंदगी उसके लिए बिता रही है, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग सा है। इसके एंड में ये होता है कि वही वे और केवान जो है वो अपनी पोजीशन से रिजाइन कर देते हैं। तो वही वे डिसाइड करती है कि वो खुद को डिस्कवर करेगी रिलेशनशिप स्टार्ट करने से पहले। केवान जो है उसका वेट करने के लिए तैयार हो जाता है और फिर एंड में वो अपने दोस्त की शादी में चले जाते हैं और वहाँ वो डेट पे जाते हैं। बिफोर वी गेट मैरिड एक 2019 में बनी हुई ताइवान टेलीविजन सीरीज है, जिसको क्रिएट और प्रोड्यूस किया था गाला टेलीविजन ने और जेसन्स एंटरटेनमेंट ने। इस सीरीज को मैरिज बिफोर लव नाम से भी जाना जाता है। ये स्टोरी जो है बिफोर वी गेट मैरिड नोवेल के ऊपर बेस्ड है, जिसकी स्क्रीन राइटिंग फैन यूंग साई ने की है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जूम हुई हुई एक सीरियस रिलेशनशिप में आ जाती है अपने एवरेज बॉयफ्रेंड ली हाउई के साथ, जो कि उसी के साथ उस कंपनी में काम करता है। मतलब वो क्लीग होते हैं, रिलेशनशिप में होते हैं, फिर वो उस रिलेशनशिप में सीरियस हो जाते हैं। तो जो हाउई है वो अपनी जिंदगी की स्ट्रिक्ट प्लानिंग करती है और भाई भाई उसको फॉलो करता है। और दूसरी तरफ जो कैनवान जो है वो एक कैपेबल टैलेंटेड स्टॉक ट्रेडर है और वो सीईओ है सिक्योरिटीज कंपनी का। तो वो जो है खुश नहीं है बिल्कुल भी काउ ज्ञान के साथ अपने रिलेशनशिप से, 10 साल के रिलेशनशिप में वो खुश नहीं है, जो कि एक बहुत सुंदर महिला है और अपनी जिंदगी उसके लिए बिता रही है, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग सा है। इसके एंड में ये होता है कि वही वे और केवान जो है वो अपनी पोजीशन से रिजाइन कर देते हैं। तो वही वे डिसाइड करती है कि वो खुद को डिस्कवर करेगी रिलेशनशिप स्टार्ट करने से पहले। केवान जो है उसका वेट करने के लिए तैयार हो जाता है और फिर एंड में वो अपने दोस्त की शादी में चले जाते हैं और वहाँ वो डेट पे जाते हैं। बिफोर वी गेट मैरिड एक 2019 में बनी हुई ताइवान टेलीविजन सीरीज है, जिसको क्रिएट और प्रोड्यूस किया था गाला टेलीविजन ने और जेसन्स एंटरटेनमेंट ने। इस सीरीज को मैरिज बिफोर लव नाम से भी जाना जाता है।
ये स्टोरी जो है बिफोर वी गेट मैरिड नोवेल के ऊपर बेस्ड है, जिसकी स्क्रीन राइटिंग फान युंग साई ने की है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जूम वी वी एक सीरियस रिलेशनशिप में आ जाता है, आ जाती है अपने एवरेज बॉयफ्रेंड ली हाउई के साथ, जो कि उसी के साथ उस कंपनी में काम करता है। मतलब वो कलीग होते हैं और रिलेशनशिप में होते हैं, फिर वो उस रिलेशनशिप में सीरियस हो जाते हैं। तो जो हाउई है वो अपनी जिंदगी की स्ट्रिक्ट प्लानिंग करती है और वाई वाई उसको फॉलो करता है। और दूसरी तरफ जो कैनवान जो है वो एक कैपेबल टैलेंटेड स्टॉक ट्रेडर है और वो सीईओ है सिक्योरिटीज कंपनी का। तो वो जो है खुश नहीं है बिल्कुल भी काउ ज्ञान के साथ अपने रिलेशनशिप से, 10 साल के रिलेशनशिप में वो खुश नहीं है, जो कि बहुत सुंदर महिला है और अपनी जिंदगी उसके लिए बिता रही है, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग सा है। इसके एंड में ये होता है कि वही वे और केवान जो है वो अपनी पोजीशन से रिजाइन कर देते हैं। तो वही वे डिसाइड करती है कि वो खुद को डिस्कवर करेगी रिलेशनशिप स्टार्ट करने से पहले। केवान जो है उसका वेट करने के लिए तैयार हो जाता है और फिर एंड में वो अपने दोस्त की शादी में चले जाते हैं और वहाँ वो डेट पे जाते हैं। बिफोर वी गेट मैरिड एक 2019 में बनी हुई ताइवान टेलीविजन सीरीज है, जिसको क्रिएट और प्रोड्यूस किया था गाला टेलीविजन ने और जेसन्स एंटरटेनमेंट ने। इस सीरीज को मैरिज बिफोर लव नाम से भी जाना जाता है। ये स्टोरी जो है बिफोर वी गेट मैरिड नोवेल के ऊपर बेस्ड है, जिसकी स्क्रीन राइटिंग फान युंग साई ने की है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जूम वी वी एक सीरियस रिलेशनशिप में आ जाता है, आ जाती है अपने एवरेज बॉयफ्रेंड ली हाउई के साथ, जो कि उसी के साथ उस कंपनी में काम करता है। मतलब वो कलीग होते हैं और रिलेशनशिप में होते हैं, फिर वो उस रिलेशनशिप में सीरियस हो जाते हैं। तो जो हाउई है वो अपनी जिंदगी की स्ट्रिक्ट प्लानिंग करती है और वाई वाई उसको फॉलो करता है। और दूसरी तरफ जो कैनवान जो है वो एक कैपेबल टैलेंटेड स्टॉक ट्रेडर है और वो सीईओ है सिक्योरिटीज कंपनी का। तो वो जो है खुश नहीं है बिल्कुल भी काउ ज्ञान के साथ अपने रिलेशनशिप से, 10 साल के एक 2019 में बनी हुई ताइवान टेलीविजन सीरीज है, जिसको क्रिएट और प्रोड्यूस किया था गाला टेलीविजन ने और जेसन्स एंटरटेनमेंट ने। इस सीरीज को मैरिज बिफोर लव नाम से भी जाना जाता है। ये स्टोरी जो है बिफोर वी गेट मैरिड नोवेल के ऊपर बेस्ड है, जिसकी स्क्रीन राइटिंग फान युंग साई ने की है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जूम वी वी एक सीरियस रिलेशनशिप में आ जाता है, आ जाती है अपने एवरेज बॉयफ्रेंड ली हाउई के साथ, जो कि उसी के साथ उस कंपनी में काम करता है। मतलब वो कलीग होते हैं और रिलेशनशिप में होते हैं, फिर वो उस रिलेशनशिप में सीरियस हो जाते हैं। तो जो हाउई है वो अपनी जिंदगी की स्ट्रिक्ट प्लानिंग करती है और वाई वाई उसको फॉलो करता है। और दूसरी तरफ जो कैनवान जो है वो एक कैपेबल टैलेंटेड स्टॉक ट्रेडर है और वो सीईओ है सिक्योरिटीज कंपनी का। तो वो जो है खुश नहीं है बिल्कुल भी काउ ज्ञान के साथ अपने रिलेशनशिप से, 10 साल के रिलेशनशिप में वो खुश नहीं है, जो कि एक बहुत सुंदर महिला है और अपनी जिंदगी उसके लिए बिता रही है, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग सा है। इसके एंड में होता है कि वही वे और केवान जो है वो अपनी पोजीशन से रिजाइन कर देते हैं। तो वही वे डिसाइड करती है कि वो खुद को डिस्कवर करेगी रिलेशनशिप स्टार्ट करने से पहले। केवान जो है उसका वेट करने के लिए तैयार हो जाता है।
एंड में वो अपने दोस्त की शादी में चले जाते हैं और वहाँ वो डेट पे जाते हैं। बिफोर वी गेट मैरिड एक 2019 में बनी हुई ताइवान टेलीविजन सीरीज है जिसको क्रिएट और प्रोड्यूस किया था गाला टेलीविजन ने और जेसन्स एंटरटेनमेंट ने। इस सीरीज को मैरिज बिफोर लव नाम से भी जाना जाता है। ये स्टोरी जो है बिफोर वी गेट मैरिड नोवेल के ऊपर बेस्ड है जिसकी इसकी राइटिंग फैन यूंग साई ने की है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जूम हुई हुई एक सीरियस रिलेशनशिप में आ जाता है, आ जाती है अपने एवरेज बॉयफ्रेंड ली हाउई के साथ जो कि उसी के साथ उस कंपनी में काम करता है। मतलब वो कलीग होते हैं, रिलेशनशिप में होते हैं, फिर वो उस रिलेशनशिप में सीरियस हो जाते हैं। तो जो हाउई है वो अपनी जिंदगी की स्ट्रिक्ट प्लानिंग करती है और भाई भाई उसको फॉलो करता है। और दूसरी तरफ जो कैनवान जो है वो एक कैपेबल टैलेंटेड स्टॉक ट्रेडर है और वो सीईओ है सिक्योरिटीज कंपनी का। तो वो जो है खुश नहीं है बिल्कुल भी काउ ज्ञान के साथ अपने रिलेशनशिप से, 10 साल के रिलेशनशिप में वो खुश नहीं है जो कि बहुत सुंदर महिला है और अपनी जिंदगी उसके लिए बिता रही है लेकिन फिर भी वो खुश नहीं है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग सा है। इसके एंड में होता है कि वही वही और कैनवान जो है वो अपनी पोजीशन से रिजाइन कर देते हैं। तो वही वही डिसाइड करती है कि वो खुद को डिस्कवर करेगी रिलेशनशिप स्टार्ट करने से पहले। कैनवान जो है उसका वेट करने के लिए तैयार हो जाता है और फिर एंड में वो अपने दोस्त की शादी में चले जाते हैं और वहाँ वो डेट पे जाते हैं। बिफोर वी गेट मैरिड एक 2019 में बनी हुई ताइवान टेलीविजन सीरीज है जिसको क्रिएट और प्रोड्यूस किया था गाला टेलीविजन ने और जेसन्स एंटरटेनमेंट ने। इस सीरीज को मैरिज बिफोर लव नाम से भी जाना जाता है। ये स्टोरी जो है बिफोर वी गेट मैरिड नोवेल के ऊपर बेस्ड है जिसकी इसकी राइटिंग फैन यूंग साई ने की है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जूम हुई हुई एक सीरियस रिलेशनशिप में आ जाता है, आ जाती है अपने एवरेज बॉयफ्रेंड ली हाउई के साथ जो कि उसी के साथ उस कंपनी में काम करता है। मतलब वो कलीग होते हैं, रिलेशनशिप में होते हैं, फिर वो उस रिलेशनशिप में सीरियस हो जाते हैं। तो जो हाउई है वो अपनी जिंदगी की स्ट्रिक्ट प्लानिंग करती है और भाई भाई उसको फॉलो करता है। और दूसरी तरफ एक 2019 में बनी हुई ताइवान टेलीविजन सीरीज है जिसको क्रिएट और प्रोड्यूस किया था गाला टेलीविजन ने और जेसन्स एंटरटेनमेंट ने। इस सीरीज को मैरिज बिफोर लव नाम से भी जाना जाता है। ये स्टोरी जो है बिफोर वी गेट मैरिड नोवेल के ऊपर बेस्ड है जिसकी इसकी राइटिंग फैन यूंग साई ने की है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जूम हुई हुई एक सीरियस रिलेशनशिप में आ जाता है, आ जाती है अपने एवरेज बॉयफ्रेंड ली हाउई के साथ जो कि उसी के साथ उस कंपनी में काम करता है। मतलब वो कलीग होते हैं, रिलेशनशिप में होते हैं, फिर वो उस रिलेशनशिप में सीरियस हो जाते हैं। तो जो हाउई है वो अपनी जिंदगी की स्ट्रिक्ट प्लानिंग करती है और भाई भाई उसको फॉलो करता है। और दूसरी तरफ जो कैनवान जो है वो एक कैपेबल टैलेंटेड स्टॉक ट्रेडर है और वो सीईओ है सिक्योरिटीज कंपनी का। तो वो जो है खुश नहीं है बिल्कुल भी काउ ज्ञान के साथ अपने रिलेशनशिप से, 10 साल के रिलेशनशिप में वो खुश नहीं है जो कि बहुत सुंदर महिला है और अपनी जिंदगी उसके लिए बिता रही है लेकिन फिर भी वो खुश नहीं है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग सा है। इस
इसके एंड में ये होता है कि वैवे और केवान जो है वो अपनी पोजीशन से डिसाइड कर देते हैं। तो वैवे डिसाइड करती है कि वो खुद को डिस्कवर करेगी रिलेशनशिप स्टार्ट करने से पहले। केवान जो है उसका वेट करने के लिए तैयार हो जाता है और फिर एंड में वो अपने दोस्त की शादी में चले जाते हैं और वहाँ वो डेट पे जाते हैं। बिफोर वी गेट मैरिड एक 2019 में बनी हुई ताइवान टेलीविजन सीरीज है जिसको क्रिएट और प्रोड्यूस किया था गाला टेलीविजन ने और जेसन्स एंटरटेनमेंट ने। इस सीरीज को मैरिज बिफोर लव नाम से भी जाना जाता है। ये स्टोरी जो है बिफोर वी गेट मैरिड नोवेल के ऊपर बेस्ड है जिसकी स्क्रीन राइटिंग फैन यूंग साई ने की है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जूम हुई हुई एक सीरियस रिलेशनशिप में आ जाती है अपने एवरेज बॉयफ्रेंड ली हाउई के साथ, जो कि उसी के साथ उस कंपनी में काम करता है। मतलब वो कलीग होते हैं और रिलेशनशिप में होते हैं, फिर वो उस रिलेशनशिप में सीरियस हो जाते हैं। तो जो हाउई है वो अपनी जिंदगी की स्ट्रिक्ट प्लानिंग करती है और भाई उसको फॉलो करता है। और दूसरी तरफ जो केनवान जो है वो एक कैपेबल टैलेंटेड स्टॉक ट्रेडर है और वो सीईओ है सिक्योरिटीज कंपनी का। तो वो जो है खुश नहीं है बिल्कुल भी काउ ज्ञान के साथ अपने रिलेशनशिप से। 10 साल के रिलेशनशिप में वो खुश नहीं है, जो कि एक बहुत सुंदर महिला है और अपनी जिंदगी उसके लिए बिता रही है, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग सा है। इसके एंड में होता है कि वैवे और केवान जो है वो अपनी पोजीशन से रिजाइन कर देते हैं। तो वैवे डिसाइड करती है कि वो खुद को डिस्कवर करेगी रिलेशनशिप स्टार्ट करने से पहले। केवान जो है उसका वेट करने के लिए तैयार हो जाता है और फिर एंड में वो अपने दोस्त की शादी में चले जाते हैं और वहाँ वो डेट पे जाते हैं। बिफोर वी गेट मैरिड एक 2019 में बनी हुई ताइवान टेलीविजन सीरीज है जिसको क्रिएट और प्रोड्यूस किया था गाला टेलीविजन ने और जेसन्स एंटरटेनमेंट ने। इस सीरीज को मैरिज बिफोर लव नाम से भी जाना जाता है। ये स्टोरी जो है बिफोर वी गेट मैरिड नोवेल के ऊपर बेस्ड है जिसकी स्क्रीन राइटिंग फैन यूंग साई ने की है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जूम हुई हुई एक सीरियस रिलेशनशिप में आ जाती है अपने एवरेज बॉयफ्रेंड ली हाउई के साथ, जो कि उसी के साथ उस कंपनी में काम करता है। मतलब वो कलीग होते हैं और रिलेशनशिप में होते हैं, फिर वो उस रिलेशनशिप में सीरियस हो जाते हैं। तो जो हाउई है वो अपनी जिंदगी की स्ट्रिक्ट प्लानिंग करती है और भाई उसको फॉलो करता है। और दूसरी तरफ जो केनवान जो है वो एक कैपेबल टैलेंटेड स्टॉक ट्रेडर है और वो सीईओ है सिक्योरिटीज कंपनी का। तो वो जो है खुश नहीं है बिल्कुल भी काउ ज्ञान के साथ अपने रिलेशनशिप से। 10 साल के रिलेशनशिप में वो खुश नहीं है, जो कि एक बहुत सुंदर महिला है और अपनी जिंदगी उसके लिए बिता रही है, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग सा है। इसके एंड में होता है कि वैवे और केवान जो है वो अपनी पोजीशन से रिजाइन कर देते हैं। तो वैवे डिसाइड करती है कि वो खुद को डिस्कवर करेगी रिलेशनशिप स्टार्ट करने से पहले। केवान जो है उसका वेट करने के लिए तैयार हो जाता है और फिर एंड में वो अपने दोस्त की शादी में चले जाते हैं और वहाँ वो डेट पे जाते हैं। बिफोर वी गेट मैरिड एक 2019 में बनी हुई ताइवान टेलीविजन सीरीज है जिसको क्रिएट और प्रोड्यूस किया था गाला टेलीविजन ने और जेसन्स एंटरटेनमेंट ने। इस सीरीज को मैरिज बिफोर लव नाम से भी जाना जाता है। ये स्टोरी जो है बिफोर वी गेट मैरिड नोवेल के ऊपर बेस्ड है
जिसकी स्क्रीन राइटिंग फान युंग साई ने की है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जूम भी हुई एक सीरियस रिलेशनशिप में आ जाता है, आ जाती है अपने एवरेज बॉयफ्रेंड ली हाउई के साथ, जो कि उसी के साथ उस कंपनी में काम करता है। मतलब वो क्लीग होते हैं, रिलेशनशिप में होते हैं, फिर वो उस रिलेशनशिप में सीरियस हो जाते हैं। तो जो हाउई है वो अपनी जिंदगी की स्ट्रिक्ट प्लानिंग करती है और भाई भाई उसको फॉलो करता है। और दूसरी तरफ जो कैनवान जो है वो एक कैपेबल टैलेंटेड स्टॉक ट्रेडर है और वो सीईओ है सिक्योरिटीज कंपनी का। तो वो जो है खुश नहीं है बिल्कुल भी काओ ज्ञान के साथ अपने रिलेशनशिप से। 10 साल के एक 2019 में बनी हुई ताइवान टेलीविजन सीरीज है जिसको क्रिएट और प्रोड्यूस किया था गाला टेलीविजन ने और जेसन्स एंटरटेनमेंट ने। इस सीरीज को मैरिज बिफोर लव नाम से भी जाना जाता है। ये स्टोरी जो है बिफोर वी गेट मैरिड नोवेल के ऊपर बेस्ड है, जिसकी स्क्रीन राइटिंग फान युंग साई ने की है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जूम भी हुई एक सीरियस रिलेशनशिप में आ जाता है, आ जाती है अपने एवरेज बॉयफ्रेंड ली हाउई के साथ, जो कि उसी के साथ उस कंपनी में काम करता है। मतलब वो क्लीग होते हैं, रिलेशनशिप में होते हैं, फिर वो उस रिलेशनशिप में सीरियस हो जाते हैं। तो जो हाउई है वो अपनी जिंदगी की स्ट्रिक्ट प्लानिंग करती है और भाई भाई उसको फॉलो करता है। और दूसरी तरफ जो कैनवान जो है वो एक कैपेबल टैलेंटेड स्टॉक ट्रेडर है और वो सीईओ है सिक्योरिटीज कंपनी का। तो वो जो है खुश नहीं है बिल्कुल भी काओ ज्ञान के साथ अपने रिलेशनशिप से। 10 साल के रिलेशनशिप में वो खुश नहीं है, जो कि एक बहुत सुंदर महिला है और अपनी जिंदगी उसके लिए बिता रही है, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग सा है। इसके एंड में होता है कि वेवी और केवान जो है वो अपनी पोजीशन से रिजाइन कर देते हैं। तो वेवी डिसाइड करती है कि वो खुद को डिस्कवर करेगी रिलेशनशिप स्टार्ट करने से पहले। केवान जो है उसका वेट करने के लिए तैयार हो जाता है और फिर एंड में वो अपने दोस्त की शादी में चले जाते हैं और वहाँ वो डेट पे जाते हैं। बिफोर वी गेट मैरिड एक 2019 में बनी हुई ताइवान टेलीविजन सीरीज है जिसको क्रिएट और प्रोड्यूस किया था गाला टेलीविजन ने और जेसन्स एंटरटेनमेंट ने। इस सीरीज को मैरिज बिफोर लव नाम से भी जाना जाता है। ये स्टोरी जो है बिफोर वी गेट मैरिड नोवेल के ऊपर बेस्ड है, जिसकी स्क्रीन राइटिंग फान युंग साई ने की है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जूम भी हुई एक सीरियस रिलेशनशिप में आ जाता है, आ जाती है अपने एवरेज बॉयफ्रेंड ली हाउई के साथ, जो कि उसी के साथ उस कंपनी में काम करता है। मतलब वो क्लीग होते हैं, रिलेशनशिप में होते हैं, फिर वो उस रिलेशनशिप में सीरियस हो जाते हैं। तो जो हाउई है वो अपनी जिंदगी की स्ट्रिक्ट प्लानिंग करती है और भाई भाई उसको फॉलो करता है। और दूसरी तरफ जो कैनवान जो है वो एक कैपेबल टैलेंटेड स्टॉक ट्रेडर है और वो सीईओ है सिक्योरिटीज कंपनी का। तो वो जो है खुश नहीं है बिल्कुल भी काओ ज्ञान के साथ अपने रिलेशनशिप से। 10 साल के रिलेशनशिप में वो खुश नहीं है, जो कि एक बहुत सुंदर महिला है और अपनी जिंदगी उसके लिए बिता रही है, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग सा है। इसके एंड में होता है कि वेवी और केवान जो है वो अपनी पोजीशन से रिजाइन कर देते हैं। तो वेवी डिसाइड करती है कि वो खुद को डिस्कवर करेगी रिलेशनशिप स्टार्ट करने से पहले। केवान जो है उसका वेट करने के लिए तैयार हो जाता है और फिर एंड में वो अपने दोस्त की शादी में चले जाते हैं और वहाँ वो डेट पे जाते हैं।
बिफोर वी गेट मैरिड, एक 2019 में बनी हुई ताइवान टेलीविजन सीरीज है जिसको क्रिएट और प्रोड्यूस किया था गाला टेलीविजन ने और जेसन्स एंटरटेनमेंट ने। इस सीरीज को मैरिज बिफोर लव नाम से भी जाना जाता है। ये स्टोरी जो है बिफोर वी गेट मैरिड नोवेल के ऊपर बेस्ड है जिसकी स्क्रीन राइटिंग फैन युंग साई ने की है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जूम हुई हुई एक सीरियस रिलेशनशिप में आ जाता है, आ जाती है अपने एवरेज बॉयफ्रेंड ली हाउई के साथ, जो कि उसी के साथ उस कंपनी में काम करता है। मतलब वो कलीग होते हैं और रिलेशनशिप में होते हैं, फिर वो उस रिलेशनशिप में सीरियस हो जाते हैं। तो जो हाउई है वो अपनी जिंदगी की स्ट्रिक्ट प्लानिंग करती है और भाई भाई उसको फॉलो करता है। और दूसरी तरफ जो कैनवान जो है वो एक कैपेबल टैलेंटेड स्टॉक ट्रेडर है और वो सीईओ है सिक्योरिटीज कंपनी का। तो वो जो है खुश नहीं है बिल्कुल भी काउ ज्ञान के साथ अपने रिलेशनशिप से, 10 साल के रिलेशनशिप में वो खुश नहीं है, जो कि बहुत सुंदर महिला है और अपनी जिंदगी उसके लिए बिता रही है, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग सा है। इसके एंड में होता है कि वही वही और केवान जो है वो अपनी पोजीशन से रिजाइन कर देते हैं। तो वही वही डिसाइड करती है कि वो खुद को डिस्कवर करेगी रिलेशनशिप स्टार्ट करने से पहले। केवान जो है उसका वेट करने के लिए तैयार हो जाता है और फिर एंड में वो अपने दोस्त की शादी में चले जाते हैं और वहाँ वो डेट पे जाते हैं। बिफोर वी गेट मैरिड, एक 2019 में बनी हुई ताइवान टेलीविजन सीरीज है जिसको क्रिएट और प्रोड्यूस किया था गाला टेलीविजन ने और जेसन्स एंटरटेनमेंट ने। इस सीरीज को मैरिज बिफोर लव नाम से भी जाना जाता है। ये स्टोरी जो है बिफोर वी गेट मैरिड नोवेल के ऊपर बेस्ड है जिसकी स्क्रीन राइटिंग फैन युंग साई ने की है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जूम हुई हुई एक सीरियस रिलेशनशिप में आ जाता है, आ जाती है अपने एवरेज बॉयफ्रेंड ली हाउई के साथ, जो कि उसी के साथ उस कंपनी में काम करता है। मतलब वो कलीग होते हैं और रिलेशनशिप में होते हैं, फिर वो उस रिलेशनशिप में सीरियस हो जाते हैं। तो जो हाउई है वो अपनी जिंदगी की स्ट्रिक्ट प्लानिंग करती है और भाई भाई उसको फॉलो करता है। और दूसरी तरफ जो कैनवान जो है वो एक कैपेबल टैलेंटेड स्टॉक ट्रेडर है और वो सीईओ है सिक्योरिटीज कंपनी का। तो वो जो है खुश नहीं है बिल्कुल भी काउ ज्ञान के साथ अपने रिलेशनशिप से, 10 साल के रिलेटेड एक 2019 में बनी हुई ताइवान टेलीविजन सीरीज है जिसको क्रिएट और प्रोड्यूस किया था गाला टेलीविजन ने और जेसन्स एंटरटेनमेंट ने। इस सीरीज को मैरिज बिफोर लव नाम से भी जाना जाता है। ये स्टोरी जो है बिफोर वी गेट मैरिड नोवेल के ऊपर बेस्ड है जिसकी स्क्रीन राइटिंग फैन युंग साई ने की है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जूम हुई हुई एक सीरियस रिलेशनशिप में आ जाता है, आ जाती है अपने एवरेज बॉयफ्रेंड ली हाउई के साथ, जो कि उसी के साथ उस कंपनी में काम करता है। मतलब वो कलीग होते हैं और रिलेशनशिप में होते हैं, फिर वो उस रिलेशनशिप में सीरियस हो जाते हैं। तो जो हाउई है वो अपनी जिंदगी की स्ट्रिक्ट प्लानिंग करती है और भाई भाई उसको फॉलो करता है। और दूसरी तरफ जो कैनवान जो है वो एक कैपेबल टैलेंटेड स्टॉक ट्रेडर है और वो सीईओ है सिक्योरिटीज कंपनी का। तो वो जो है खुश नहीं है बिल्कुल भी काउ ज्ञान के साथ अपने रिलेशनशिप से, 10 साल के रिलेशनशिप में वो खुश नहीं है, जो कि बहुत सुंदर महिला है और
जिंदगी उसके लिए बिता रही है, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग सा है। इसके एंड में होता है कि वही वे और केवान जो है वो अपनी पोजीशन से रिजाइन कर देते हैं। तो वही वे डिसाइड करती है कि वो खुद को डिस्कवर करेगी रिलेशनशिप स्टार्ट करने से पहले। केवान जो है उसका वेट करने के लिए तैयार हो जाता है और फिर एंड में वो अपने दोस्त की शादी में चले जाते हैं और वहाँ वो डेट पे जाते हैं। बिफोर वी गेट मैरिड एक 2019 में बनी हुई ताइवान टेलीविजन सीरीज है जिसको क्रिएट और प्रोड्यूस किया था गाला टेलीविजन ने और जेसन्स एंटरटेनमेंट ने। इस सीरीज को मैरिज बिफोर लव नाम से भी जाना जाता है। ये स्टोरी जो है बिफोर वी गेट मैरिड नोवेल के ऊपर बेस्ड है जिसकी स्क्रीन राइटिंग फैन यूंग साई ने की है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जूम वे वही एक सीरियस रिलेशनशिप में आ जाता है, आ जाती है अपने एवरेज बॉयफ्रेंड ली हाउई के साथ, जो कि उसी के साथ उस कंपनी में काम करता है। मतलब वो क्लीग होते हैं, रिलेशनशिप में होते हैं, फिर वो उस रिलेशनशिप में सीरियस हो जाते हैं। तो जो हाउई है वो अपनी जिंदगी की स्ट्रिक्ट प्लानिंग करती है और भाई भाई उसको फॉलो करता है। और दूसरी तरफ जो केनवान जो है वो एक कैपेबल टैलेंटेड स्टॉक ट्रेडर है और वो सीईओ है सिक्योरिटीज कंपनी का। तो वो जो है खुश नहीं है बिल्कुल भी गाओ ज्ञान के साथ अपने रिलेशनशिप से, 10 साल के रिलेशनशिप में वो खुश नहीं है, जो कि एक बहुत सुंदर महिला है और अपनी जिंदगी उसके लिए बिता रही है, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग सा है। इसके एंड में होता है कि वही वे और केवान जो है वो अपनी पोजीशन से रिजाइन कर देते हैं। तो वही वे डिसाइड करती है कि वो खुद को डिस्कवर करेगी रिलेशनशिप स्टार्ट करने से पहले। केवान जो है उसका वेट करने के लिए तैयार हो जाता है और फिर एंड में वो अपने दोस्त की शादी में चले जाते हैं और वहाँ वो डेट पे जाते हैं। बिफोर वी गेट मैरिड एक 2019 में बनी हुई ताइवान टेलीविजन सीरीज है जिसको क्रिएट और प्रोड्यूस किया था गाला टेलीविजन ने और जेसन्स एंटरटेनमेंट ने। इस सीरीज को मैरिज बिफोर लव नाम से भी जाना जाता है। ये स्टोरी जो है बिफोर वी गेट मैरिड नोवेल के ऊपर बेस्ड है जिसकी स्क्रीन राइटिंग फैन यूंग साई ने की है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जूम वे वही एक सीरियस रिलेशनशिप में आ जाता है, आ जाती है अपने एवरेज बॉयफ्रेंड ली हाउई के साथ, जो कि उसी के साथ उस कंपनी में काम करता है। मतलब वो क्लीग होते हैं, रिलेशनशिप में होते हैं, फिर वो उस रिलेशनशिप में सीरियस हो जाते हैं। तो जो हाउई है वो अपनी जिंदगी की स्ट्रिक्ट प्लानिंग करती है और भाई भाई उसको फॉलो करता है। और दूसरी तरफ जो केनवान जो है वो एक कैपेबल टैलेंटेड स्टॉक ट्रेडर है और वो सीईओ है सिक्योरिटीज कंपनी का। तो वो जो है खुश नहीं है बिल्कुल भी गाओ ज्ञान के साथ अपने रिलेशनशिप से, 10 साल के रिलेशनशिप में वो खुश नहीं है, जो कि एक बहुत सुंदर महिला है और अपनी जिंदगी उसके लिए बिता रही है, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग सा है। इसके एंड में होता है कि वही वे और केवान जो है वो अपनी पोजीशन से रिजाइन कर देते हैं। तो वही वे डिसाइड करती है कि वो खुद को डिस्कवर करेगी रिलेशनशिप स्टार्ट करने से पहले। केवान जो है उसका वेट करने के लिए तैयार हो जाता है और फिर एंड में वो अपने दोस्त की शादी में चले जाते हैं और वहाँ वो डेट पे जाते हैं। बिफोर वी गेट मैरिड एक 2019 में बनी हुई ताइवान टेलीविजन सीरीज है जिसको क्रिएट और प्रोड्यूस किया था गाला टेलीविजन ने और जेसन्स एंटरटेनमेंट ने। इस सीरीज को मैरिज बिफोर लव नाम से भी जाना जाता है।
ये स्टोरी जो है बिफोर वी गेट मैरिड नोवेल के ऊपर बेस्ड है, जिसकी स्क्रीन राइटिंग फान युंग साई ने की है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जूम भी हुई एक सीरियस रिलेशनशिप में आ जाता है, आ जाती है अपने एवरेज बॉयफ्रेंड ली हाउई के साथ, जो कि उसी के साथ उस कंपनी में काम करता है। मतलब वो क्लीग होते हैं, रिलेशनशिप में होते हैं, फिर वो उस रिलेशनशिप में सीरियस हो जाते हैं। तो जो हाउई है वो अपनी जिंदगी की स्ट्रिक्ट प्लानिंग करती है और भाई भाई उसको फॉलो करता है। और दूसरी तरफ जो कैनवान जो है वो एक कैपेबल टैलेंटेड स्टॉक ट्रेडर है और वो सीईओ है सिक्योरिटीज कंपनी का। तो वो जो है खुश नहीं है बिल्कुल भी काउ ज्ञान के साथ अपने रिलेशनशिप से, 10 साल के रिलेशनशिप। 2019 में बनी हुई ताइवान टेलीविजन सीरीज है जिसको क्रिएट और प्रोड्यूस किया था गाला टेलीविजन ने और जेसन्स एंटरटेनमेंट ने। इस सीरीज को मैरिज बिफोर लव नाम से भी जाना जाता है। ये स्टोरी जो है बिफोर वी गेट मैरिड नोवेल के ऊपर बेस्ड है, जिसकी स्क्रीन राइटिंग फान युंग साई ने की है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जूम भी हुई एक सीरियस रिलेशनशिप में आ जाता है, आ जाती है अपने एवरेज बॉयफ्रेंड ली हाउई के साथ, जो कि उसी के साथ उस कंपनी में काम करता है। मतलब वो क्लीग होते हैं, रिलेशनशिप में होते हैं, फिर वो उस रिलेशनशिप में सीरियस हो जाते हैं। तो जो हाउई है वो अपनी जिंदगी की स्ट्रिक्ट प्लानिंग करती है और भाई भाई उसको फॉलो करता है। और दूसरी तरफ जो कैनवान जो है वो एक कैपेबल टैलेंटेड स्टॉक ट्रेडर है और वो सीईओ है सिक्योरिटीज कंपनी का। तो वो जो है खुश नहीं है बिल्कुल भी काउ ज्ञान के साथ अपने रिलेशनशिप से, 10 साल के रिलेशनशिप में वो खुश नहीं है, जो कि एक बहुत सुंदर महिला है और अपनी जिंदगी उसके लिए बिता रही है, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग सा है। इसके एंड में होता है कि वही वी और केवान जो है वो अपनी पोजीशन से रिजाइन कर देते हैं। तो वही वी डिसाइड करती है कि वो खुद को डिस्कवर करेगी रिलेशनशिप स्टार्ट करने से पहले। केवान जो है उसका वेट करने के लिए तैयार हो जाता है और फिर एंड में वो अपने दोस्त की शादी में चले जाते हैं और वहाँ वो डेट पे जाते हैं। बिफोर वी गेट मैरिड एक 2019 में बनी हुई ताइवान टेलीविजन सीरीज है जिसको क्रिएट और प्रोड्यूस किया था गाला टेलीविजन ने और जेसन्स एंटरटेनमेंट ने। इस सीरीज को मैरिज बिफोर लव नाम से भी जाना जाता है। ये स्टोरी जो है बिफोर वी गेट मैरिड नोवेल के ऊपर बेस्ड है, जिसकी स्क्रीन राइटिंग फान युंग साई ने की है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जूम भी हुई एक सीरियस रिलेशनशिप में आ जाता है, आ जाती है अपने एवरेज बॉयफ्रेंड ली हाउई के साथ, जो कि उसी के साथ उस कंपनी में काम करता है। मतलब वो क्लीग होते हैं, रिलेशनशिप में होते हैं, फिर वो उस रिलेशनशिप में सीरियस हो जाते हैं। तो जो हाउई है वो अपनी जिंदगी की स्ट्रिक्ट प्लानिंग करती है और भाई भाई उसको फॉलो करता है। और दूसरी तरफ जो कैनवान जो है वो एक कैपेबल टैलेंटेड स्टॉक ट्रेडर है और वो सीईओ है सिक्योरिटीज कंपनी का। तो वो जो है खुश नहीं है बिल्कुल भी काउ ज्ञान के साथ अपने रिलेशनशिप से, 10 साल के रिलेशनशिप में वो खुश नहीं है, जो कि एक बहुत सुंदर महिला है और अपनी जिंदगी उसके लिए बिता रही है, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग सा है। इसके एंड में होता है कि वही वी और केवान जो है वो अपनी पोजीशन से रिजाइन कर देते हैं। तो वही वी डिसाइड करती है कि वो खुद को डिस्कवर करेगी रिलेशनशिप स्टार्ट करने से पहले। केवान जो है उसका वेट करने के लिए तैयार हो जाता है।
एंड में वो अपने दोस्त की शादी में चले जाते हैं और वहां वो डेट पे जाते हैं। बिफोर वी गेट मैरिड, एक 2019 में बनी हुई ताइवान टेलीविजन सीरीज है जिसको क्रिएट और प्रोड्यूस किया था गाला टेलीविजन ने और जेसन्स एंटरटेनमेंट ने। इस सीरीज को मैरिज बिफोर लव नाम से भी जाना जाता है। ये स्टोरी जो है बिफोर वी गेट मैरिड नोवेल के ऊपर बेस्ड है जिसकी स्क्रीन राइटिंग फान युंग साई ने की है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जूम वी वही एक सीरियस रिलेशनशिप में आ जाता है, आ जाती है अपने एवरेज बॉयफ्रेंड ली हाउई के साथ, जो कि उसी के साथ उस कंपनी में काम करता है। मतलब वो कलीग होते हैं, रिलेशनशिप में होते हैं, फिर वो उस रिलेशनशिप में सीरियस हो जाते हैं। तो जो हाउई है वो अपनी जिंदगी की स्ट्रिक्ट प्लानिंग करती है और भाई भाई उसको फॉलो करता है। और दूसरी तरफ जो कैनवान जो है वो एक कैपेबल टैलेंटेड स्टॉक ट्रेडर है और वो सीईओ है सिक्योरिटीज कंपनी का। तो वो जो है खुश नहीं है बिल्कुल भी काउ ज्ञान के साथ अपने रिलेशनशिप से, 10 साल के रिलेशनशिप में वो खुश नहीं है, जो कि एक बहुत सुंदर महिला है और अपनी जिंदगी उसके लिए बिता रही है, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग सा है। इसके एंड में होता है कि वही वही और केवान जो है वो अपनी पोजीशन से रिजाइन कर देते हैं। तो वही वही डिसाइड करती है कि वो खुद को डिस्कवर करेगी रिलेशनशिप स्टार्ट करने से पहले। केवान जो है उसका वेट करने के लिए तैयार हो जाता है और फिर एंड में वो अपने दोस्त की शादी में चले जाते हैं और वहाँ वो डेट पे जाते हैं। बिफोर वी गेट मैरिड, एक 2019 में बनी हुई ताइवान टेलीविजन सीरीज है जिसको क्रिएट और प्रोड्यूस किया था गाला टेलीविजन ने और जेसन्स एंटरटेनमेंट ने। इस सीरीज को मैरिज बिफोर लव नाम से भी जाना जाता है। ये स्टोरी जो है बिफोर वी गेट मैरिड नोवेल के ऊपर बेस्ड है जिसकी स्क्रीन राइटिंग फान युंग साई ने की है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जूम वी वही एक सीरियस रिलेशनशिप में आ जाती है अपने एवरेज बॉयफ्रेंड ली हाउई के साथ, जो कि उसी के साथ उस कंपनी में काम करता है। मतलब वो कलीग होते हैं, रिलेशनशिप में होते हैं, फिर वो उस रिलेशनशिप में सीरियस हो जाते हैं। तो जो हाउई है वो अपनी जिंदगी की स्ट्रिक्ट प्लानिंग करती है और भाई भाई उसको फॉलो करता है। और दूसरी तरफ जो कैनवान जो है वो एक कैपेबल टैलेंटेड स्टॉक ट्रेडर है और वो सीईओ है सिक्योरिटीज कंपनी का। तो वो जो है खुश नहीं है बिल्कुल भी काउ ज्ञान के साथ अपने रिलेशनशिप से, 10 साल के रिलेशन